So hi guys, welcome to An Academy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator, and आज के session में हम one shot में cover कर लेने वाले हैं mole concept. I hope कि सभी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि हमने YouTube पर physical chemistry के लिए specially ये series start किया है one day one chapter, जहाँ पर total हमारे पास 8 chapters बनते हैं और solutions जैसा एक बहुत बड़ा chapter हम already one shot में पूरा cover कर चुके हैं. यार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, फास्ट ट्रैक सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जहां पर मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है, सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा हो गया, और फिर आज एक बड़े बढ़िया यूनिट की शुरुआत हम करेंगे, विच इज मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है कि यार अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया जाए तो कहां से, यहां से, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हम कवर करते हैं कुछ ऐसे या टॉपिक्स जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि अलग अलग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो काफी हद तक पूरे केमिस्ट्री में ही यूज हो जाते हैं. तो आज के सेशन में कैन आई सी सम गुड जोश, कम ऑन, कैन आई सी दैट आर्क, हमारा जो फेवरेट इमोजी है ना, और आकांक्षा मैम की तो एक ही फेवरेट लाइन है, विच इज आग लगा दी जाए यार. एंड इसी के साथ मैम आपको बता देती हैं कि यार अभी ये बहुत बढ़िया मौका है अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं. स्पेशली मैं जानती हूँ शायद इस सेशन को मोस्टली 24 लर्नर्स देख रहे होंगे, पर अगर आप किसी 25 या 26 एस्पिरेंट को जानते हैं तो प्लीज उनको ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको भी पता है यार अर्ली स्टार्ट, सही समय पर शुरुआत करना कितना जरूरी है. तो आप अपने सिबलिंग्स, जूनियर आपको बताइएगा कि देखिए अभी अन अकेडमी पर ऑफर चल रहा है जहां फ्लैट 20% ऑफ आपको मिल जाएगा जब आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव. और आपके पास ये न्यू बैचेस है, सबसे पहला अर्ली आरएम बैच है 2026 के लिए, और फिर यार अर्ली प्रयास बैच है नीट 25 के लिए. पूरी टीम को आप बढ़िया से जानते हो कि नहीं, है ना, सब आपको सब बढ़िया एडुकेटर्स मिलते हैं यहाँ पर. और फिर ये ऑल स्टार प्रो बैच जस्ट फॉर ₹1499. जब ये स्टार्ट हुआ था तो आप जानते हैं इसका अच्छा खासा प्राइस था, बट स्टिल हम चाहते हैं कि यार जो लर्नर ये लास्ट के समय में अपना बेस्ट शॉट देना चाहते हैं सही तरीके से क्लोज एनवायरनमेंट में, सभी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हुए, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस हियर. एंड फिर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में तो आई होप सबने एनरोल करा ही दिया होगा. क्या आप सब AIMT में एनरोल करा चुके हो, मेरे को बता दो यार, क्योंकि AIMT आपका यार ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है, दिस इज AIMT, जहां पर आपका हर संडे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे, देखो एक बार आपने एक टेस्ट मिस किया पहले आप पीछे हो जाओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे यानी कि 31 मार्च आने वाले हर संडे एग्जाम से पहले आपका टेस्ट होगा, और बिल्कुल नीट एग्जाम के टाइम पर होगा, विच इज 2 to 5:20 PM. तुम्हारी सिटिंग बनेगी, ऑल्सो तुम्हें एग्जाम लाइक टेम्परमेंट बिल्ड करने का मौका मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं क्यूरेटेड बाय द टॉप एडुकेटर्स, वैसे क्वेश्चंस आफ्टर थरो एनालिसिस जिनके एग्जाम में पूछे जाने की भी एब्सोल्यूट हाई प्रोबेबिलिटी बनती है. और फिर इसी के साथ यार क्या बोलते हैं, आपको अपना AIR पता चल पाता है, पता चलता है हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं. तो देखो मैंने लिंक चैट में भी पिन कराया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कराया है, प्लीज 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 गेट योरसेल्फ इनरोल्ड. और इनरोल करना काफी नहीं है, फिर टेस्ट दे भी देना, ठीक है. और जो भी टेस्ट के मार्क्स आपके पहले टेस्ट में है उसको अल्टीमेट नहीं समझना, आप ये समझिए कि उसमें मुझे +200 करना है. अब ऑब्वियसली अगर आप लेट्स से 600 स्कोर करेंगे, मतलब आप अपने अंदर से खुद को जब ये फीडबैक देंगे कि की गई गलतियों से मैं सीखूंगा, उनको वापस रिपीट नहीं करूंगा, एग्जाम तक आते आते अच्छा खासा मार्क्स आप जो है और बढ़ा जाओगे. एनीवेज क्या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा यूनिट? हाँ जी, कैन वी बिगिन? और जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव या सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम ऑन क्विकली हिट द लाइक बटन, यानी कि फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे और अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे. देखिये मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है मास के कॉन्सेप्ट से, यानी कि केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं को डिस्कस करते हैं, यानी कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं, जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर, प्रोटॉन, जो कि बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पर आपको मिलते हैं, यानी कि जिनको शायद देख पाने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है ना. तो यार अगर मालूम है ना सबको, जैसे एटम होता है, क्या एटम हमें अपनी आंखों से दिखता है? नहीं दिखता है मैम. तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल या नैनो स्केल्स पर जाना पड़ेगा उस एटम को देख पाने के लिए. आप जस्ट इमेजिन इतनी छोटी कोई चीज है कि वो आपके लिए आपको दिख भी नहीं रही है अपने नेकेड आई से, तो आप उसका मास कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना. मैं चाहती हूँ कि यार मुझे इस एटम का मास पता चल पाए. कैसे पता चल पाएगा आकांक्षा मैम? मतलब अगर मैं आपको एक दाल होता है ना, दाल का एक ग्रेन दूं और कहूं इसका वेट बताओ, वही आपके लिए काफी मुश्किल कहानी. तो इसी का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, सबसे पहले इस टॉपिक के इनिशियल
इनिशियल पार्ट में हम वही कवर करते हैं। तो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में पहले हम डील करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस के साथ। एक बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस हम कवर कर लें, फिर उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वेपर डेंसिटी क्या होता है, और फिर यार लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट एंड एवरेज एटॉमिक मास जैसे छोटे मोटे टॉपिक्स बीच में आएंगे और चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। तो देखिए, एटम का मास हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हमने क्या क्या उसके लिए डिस्कवर किया या फिर कैसे हम वहां तक पहुंचे उसको समझ लेते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर क्या बोलते हैं, मैंने मान लीजिए एक शॉप से सामान खरीदा है और मैंने उसको एक वेइंग बैलेंस पर रख दिया, मेरे को पता करना है इस सामान का मास क्या है। तो आप, ये ट्रेडिशनल मेथड था हमारा वेट मेजर करने का। आई एम श्योर आप सबने ऐसा वेइंग बैलेंस कभी ना कभी तो देखा होगा, अभी तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिप्लेस हो गया है, बट हम सब जानते हैं कि ऐसे वेइंग मशीन आते हैं जिसमें यहाँ पर आप अपना सामान रखते हो और यहाँ पर स्टैंडर्ड वेट रखा जाता है, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, और फिर इसके हेल्प से हम अपने सामान का वेट मेजर कर पाते हैं कि जिस पोजीशन पर ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, यानी जहां दोनों तरफ से सेम लेवल आ जाएगा, वही हमारा मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा, इजंट इट। लेकिन यार हमारे पास यहां पर एटम की बात की जाए तो एटम तो पहली बात ऐसे नहीं रख सकते आप। दूसरी बात, यहां पर ये जो 1 kg है, पहला जो मैं समझना चाहती हूँ वो ये कि व्हाट इज 1 kg। जिम में भी आप जाते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं ना। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि यार ये 1 kg कहाँ से आया, व्हाट एग्जैक्टली इज 1 kg। तो 1 kg एक्चुअली क्या था कि हमारे पास, लेट्स से ऐसे ही इन जनरल साइंटिस्ट लोगों को ना लैब में एक सिलेंडर पड़ा हुआ मिल गया है ना। ऐसे नहीं कि उन्होंने बहुत सोचा, बहुत कोई रिसर्च की, बहुत उनके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, बस रैंडमली उनके सामने एक सिलेंडर पड़ा था जो कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स का बना हुआ था। मेटल्स जैसे इरिडियम, प्लैटिनम, ऐसे मेटल्स का एक सिलेंडर बना हुआ था, और मिक्सचर ऑफ मेटल को आप क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस सिलेंडर को उठाया, ठीक है, और कह दिया कि देखो आज के बाद इस सिलेंडर का जितना भी मास है, हमें तो पता नहीं क्योंकि उस टाइम तो कुछ था नहीं मास को मेजर करने के लिए, किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, इस सिलेंडर का जितना भी मास है ना, आज के बाद उस मास को हम क्या कहेंगे, 1 kg बोलने वाले हैं कि ये कितना है, 1 kg आपका मास। तो बेसिकली हमारे पास वो जो एक सिलेंडर का मास आया उसको हमने रेफरेंस मान लिया कि अब मैं सभी बाकी चीजों का जो मास है इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लूंगी। यानी आप समझिए, मैंने लेट्स से शॉप से कोई ए नाम का बॉक्स खरीदा, ठीक है, ए नाम का बॉक्स खरीदा, अब मैं इसका वेट मेजर करना चाहती हूं। तो मैंने यहां पर एक सिलेंडर रखा, दो सिलेंडर रखा, जैसे मैंने यहां पर 10 cylinders रख दिया तो मेरा ये इक्विलिब्रियम पर आ गया। That means मुझे यहां से पता चला कि जो मेरा मास है ना, मेरा जो मास ऑफ ए बॉक्स है, ये जो मेरा ए नाम का बॉक्स है यार, इसका जो मास है, that is equal to the mass of 10 cylinders, उसका मास 10 cylinders के बराबर है, ठीक है। क्या पता चला मुझे कि मेरा जो ए बॉक्स है उसका मास 10 cylinder के बराबर है। लेकिन यार चलो ये तो ठीक है, अब जस्ट इमेजिन मैं तुम्हारा वेट मेजर कर रही हूं, है ना। तो अब मैडम मैंने तुम्हें यहां बिठा दिया, देखो तुम्हें उठाकर मैंने यहां पर बिठा दिया एक ही जगह, और फिर आकांक्षा मैम क्या कर रही है, रख रही है भाई सिलेंडर, रख रही है 1, 2, 3, अब तुम हो काफी गोलू, मतलब काफी बढ़िया, तो तुम्हारा लेट्स से मास निकल कर आया 70 cylinders के बराबर। वाओ, 70 थोड़ा ज्यादा हो गया फॉर योर एज, लेट्स से आपका मास निकल कर आया 60 cylinders के जितना है ना। कैसा लगेगा कि अगर आपसे कोई पूछे, डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, डॉक्टर ने पूछा बेटा आपका मास कितना है, अपना वेट बताइए, डॉक्टर मेरा वेट 60 cylinder के बराबर है, बढ़िया नहीं लग रहा ना बोलने में, अच्छा नहीं लग रहा है 60 cylinder के बराबर है। तो इसके लिए हमने ज्यादा कन्वीनियंट क्या समझा कि हम मास ऑफ 1 cylinder को हमने ज्यादा कन्वीनियंट ये समझा कि यार हम जो है ना एक सिलेंडर के मास को 1 kg कह देते हैं। क्या कह देते हैं कि एक सिलेंडर का जो मास है वो कितना है, 1 kg है। और अगर एक सिलेंडर का मास 1 kg है तो आप मुझे खुद बताइए कि ए बॉक्स का मास कितना होगा। अगर एक सिलेंडर का मास 1 kg है तो 10 सिलेंडर का मास 10 kg होगा, तो हमारे पास यहां पर क्या निकल कर आ गया, 10 kg। दिस इज हाउ वी डिफाइंड 1 kg, कि वो जो रैंडम सा पड़ा हुआ सिलेंडर मिल गया था उसका मास हमने फाइनली क्या कह दिया, 1 kg कह दिया, और उसके हेल्प से हम बाकी के जितने भी सामान या ऑब्जेक्ट्स थे उनका मास कैलकुलेट करने लगे।
ठीक है यार, ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न है केमिस्ट्री में वो है एटम का मास कैलकुलेट करना, जिसको यार हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। पहले तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के मास को आप एटॉमिक मास कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना तो समझ चुकी हूं कि यार अगर मैंने जो है अगर मैंने आपका बड़ी बड़ी चीजों के लिए यानी कि मैक्रो बॉडीज का मास कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस सेट किया था जो कि मेरा सिलेंडर था, तो ऐसे ही एटम का भी मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे कोई रेफरेंस ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, एब्सोल्यूट कोई लॉजिक या कोई बहुत कहानी नहीं है इसके पीछे, बिना सोचे समझे हमने क्या किया, मास ऑफ वन सिलेंडर हमने जो है हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, हाइड्रोजन एटम को अपना रेफरेंस सेट कर दिया। क्या कह दिया कि भाई ये हमारा रेफरेंस एटम होगा। सोचने में अच्छा लग रहा था क्योंकि हाइड्रोजन एटम, भाई देखो इतना तो आपको पता चल ही सकता है ना, अगर तुम्हारे पास दो एटम है, तुम्हें किसी का भी मास नहीं पता है, पर इतना तो आप समझ सकते हो कि इस हाथ में हाइड्रोजन है, इस हाथ में ऑक्सीजन है, तो यार ये वाला हैवी है। अब मुझे नहीं पता कितना हैवी है, पर इतना तो समझ आ जाएगा ना कि दी अदर वन इज हैवी, कौन हैवी है कौन लाइट है। पता चल रहा था हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, इसी को हमने अपना रेफरेंस एलिमेंट या फिर रेफरेंस एटम मान लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक एक कर देखो एक है, अब मुझे जो मेरा हाइड्रोजन एटम है वो मेरा क्या है, सिलेंडर। हाइड्रोजन एटम को आप सिलेंडर जैसा समझिए, जो कि एक सेट स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी चीजों का मास कैलकुलेट कर रहे होंगे। ओके जी, आप सुनिएगा हमारे पास क्या होता है। देखिए भाई क्या, हाँ लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन एटम है ना, तो मैंने ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की कि भाई मेरा जो है एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो मुझे पता चला कि जो ऑक्सीजन एटम है वो 16 टाइम्स ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में, एक हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन एटम 16 टाइम्स ज्यादा हेवियर निकल कर आया। ऐसे ही फिर मैंने नाइट्रोजन का मास चेक किया है ना, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, तो यार एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 टाइम्स ज्यादा निकल कर आया एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में ये 14 टाइम्स ज्यादा हेवी था। फिर मैंने कार्बन एटम का चेक किया, ठीक है, कार्बन 12 का, और मेरे पास जो मास निकल कर आया वो 12 इंटू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल कर आया, 12 इंटू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसे आपको ध्यान है कि हमने क्या किया था कि मास ऑफ वन सिलेंडर को, मैंने मास ऑफ वन सिलेंडर को यार 1 kg मान लिया था है ना, ऐसे ही मैं यहां पर क्या करूंगी, मैं एक हाइड्रोजन एटम के मास को 1 amu मान लेती हूँ। ठीक है यार, जैसे मास की जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनका मैक्रो बॉडीज बोलते हैं, जिनके साथ आप फिजिक्स में डील करते हो, जैसे हम हो गए कार, चेयर, टेबल, तो उनका मास के लिए जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम विच इज केजी। ऐसे ही एटम्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एएमयू। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। एटम के मास यूनिट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। यार चैट सेक्शन में थोड़ा रिस्पांस तो दिखाओ कि यस मैम हमें समझ आ रहा है। कैन आई सी दैट रिस्पॉन्स हियर इन द चैट सेक्शन? हाँ जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा वैसे मोल कॉन्सेप्ट अभी हमने कुछ दिन पहले भी कवर किया था है ना, तो देखो मेरे को मालूम है कि अभी मैंने शायद एक महीना तो बहुत ज्यादा होता है, शायद 20-30 खैर 20 दिन तो हो गए होंगे, शायद 20 से 25 दिन के बीच का गैप होगा मैंने मोल कॉन्सेप्ट कराया था। बट देन एक चैप्टर को जितनी बार रिवाइज करोगे वो भी मैम के साथ उतना तो मजा है यार है ना। तो ऐसे ये मत सोचिए कि यार ये तो आता है मेरे को, इसको क्या ही रिवाइज करना। आपको भी मालूम है जब आप एक चैप्टर रिवाइज करते हैं तो कितना आपको टाइम लगता है, बट यहाँ 2 घंटे में मैं तुम्हारे चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगी, वो भी थोड़े से क्वेश्चन और डिटेल डिस्कशन के साथ है ना। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आई एम आकांक्षा कर्णवाल, मेरे नाम की सही स्पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो t.me/आकांक्षा कर्णवाल इस नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां से सभी नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लस मोल कॉन्सेप्ट के
फॉर्मूला शीट, मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी एंड मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे आज की क्लास एंड होगी। तैयार? हाँ, अब लग रहा है मुझे, अब लगी है थोड़ी सी आंख, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास ये हमने मान लिया, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे ऑक्सीजन एटम का मास है 16 amu, फिर नाइट्रोजन एटम का मास है 14 amu, है ना, और फिर हमारे पास कार्बन एटम का मास है 12 amu, तो मेरे पास सभी का मास निकल कर आ गया कितना, 16, 14, 12। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, आपको लग रहा होगा कि वाह मैम कितना बढ़िया मास निकल कर आ गया, तो पार्टी वाला सीन होगा, कोई पार्टी हो नहीं पाई, सब बात पर पानी फिर गया। क्यों? हालांकि उस समय के लिए तो खुशी का माहौल था कि वाह यार हमने जो है चीजों का मास बता सकते हैं, हम एलिमेंट्स के एटम्स का मास बता सकते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर बुक्स पब्लिश करा दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, जहां उन्होंने ऑक्सीजन के मास को 16 लिया, नाइट्रोजन के मास को 14 लिया, कार्बन के मास को 12 लिया, और भी जितने एटम उस टाइम पर थे सबका मास ऐसे उन्होंने चेक कर लिया और वो यूज भी करना स्टार्ट कर दिया, बुक्स में लिखना भी स्टार्ट हो गया। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि यार ये सही नहीं किया हमने, क्योंकि जैसे जैसे और एटम्स या एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी तो सभी एटम्स का मास हम हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये तो यार प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बिना कुछ सोचे समझे हाइड्रोजन एटम को अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया। आई मीन अगर मुझे क्लास का मॉनिटर भी बनाना है ना, तुम ही वैसे मुझे क्लास मॉनिटर बनाना है, अब बताइए आकांक्षा मैम की क्लास का मॉनिटर कौन कौन बनने में इंटरेस्टेड है? मैम तो काफी स्मार्ट है ना, तो मैम मॉनिटर तो ऐसे ही नहीं बनाएंगे ना कि चलो इसको बनाते हैं मॉनिटर, है ना, तो यार मैम कुछ तो सोचेंगे कि यार इसको बनाना चाहिए, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये बनेगा मेरी क्लास का मॉनिटर, यहां आपने कुछ भी नहीं सोचा। तो सबसे पहले जब हम रेफरेंस एटम को सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो सारी प्रॉब्लम है वो हमारे रेफरेंस एटम के साथ है, तो हमने पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स बनाए कि मेरा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा उसको ये सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस को सैटिस्फाई करना चाहिए, और अगर वो ये कंडीशंस को सैटिस्फाई करेगा तो ही वो मेरा रेफरेंस एटम बन पाएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरा जो रेफरेंस एटम है वो अबंडेंट होना चाहिए, ठीक है यार। अबंडेंट का मतलब देखो, क्लास का मॉनिटर कौन होना चाहिए जो डेली आता हो, ऐसा नहीं कि 7 में से हफ्ते में 4 दिन कोई बच्चा एब्सेंट रहता है, वो फिर क्या ही मॉनिटर बनेगा, है ना। तो भाई मॉनिटर बेचारा ऐसा हो जो डेली आता तो है, प्रेजेंट हो। अबंडेंस का मतलब भी वही होता है जो नेचर में आसानी से मिल जाए, है ना, कि अगर मैं नेचर में यानी कि अपने घर में बाहर कहीं ढूंढने निकलूं तो यार वो एटम मुझे आसानी से मिलना चाहिए, स्कार्स या ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो बड़ा रेयर एलिमेंट है, कहीं कहीं मिलता है। दूसरी बात है कि नॉट टू रिएक्टिव, है ना, या फिर बोल सकते हैं नॉट टू लेस रिएक्टिव, कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो, मतलब बहुत कम रिएक्टिव भी ना हो। जैसे मॉनिटर, आहा मॉनिटर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और आकांक्षा मैम ने ऐसा बच्चा मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया, बेचारा बिल्कुल शांत, ऐसा सहमा सहमा, दबा दबा, गुमसुम एकदम, कुछ कहता ही नहीं है, उसका तो सबने पागल ही बनाते ना, तो बताओ ऐसे मॉनिटर का फायदा नहीं हो पाएगा जो बेचारा गुमसुम है, शांत है ज्यादा ही, थोड़ा तो रिएक्टिव हो, है ना, तो ऐसा मॉनिटर नहीं बना सकते। दूसरा नॉट वेरी हाई रिएक्टिव, नॉट टू मच रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मॉनिटर अगर खुद ही शांत नहीं है तो क्लास तो क्या ही शांत होगी। दूसरा जिसके कोई आइसोटोप्स ना हो, समझते हैं आप इस बात का मतलब, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आई होप एवरीवन नोस, है ना, तो जिसके आइसोटोप्स ना हो, नहीं भी बता तो कोई बात नहीं, अभी बता दूंगी क्या होते हैं आइसोटोप्स, जिसके आइसोटोप्स ना हो, क्योंकि देखो जस्ट इमेजिन मॉनिटर के क्लास में भाई बहन है या जिनसे उनको प्यार है वो है मॉनिटर के साथ हमारी क्लास में, अब यार मैं तो इससे प्यार करता हूँ, ये कुछ भी करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैम को इसकी शिकायत मुझे कभी करनी नहीं है क्योंकि इसको तो मैं प्यार करता हूँ, तो बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो जाएगी, पार्शियलिटी तो आकांक्षा मैम तो नहीं चाहेंगी कि पार्शियलिटी हो, तो ऐसा मॉनिटर हमें नहीं चाहिए जिसका ऐसा प्यार भाई बहन टाइप सीन हो, ठीक है। सिमिलरली हमें ऐसा रेफरेंस एटम नहीं चाहिए जिसके आइसोटोप्स हो, तो हम क्या किया, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को सैटिस्फाई कर पाया आपका एक एलिमेंट, और वो एक एलिमेंट कौन होता है, कार्बन एटम। ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक को एक ही एलिमेंट ने सैटिस्फाई किया बेटा, जो आपका था कार्बन 12। कार्बन का 12 वाला आइसोटोप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सैटिस्फाई कर गया।
पहले तो आपको पता होगा जितना भी लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर है सभी में कार्बन कंटेंट मिल जाएगा, मेरे अंदर आस पास ट्रीज प्लांट जितना भी लिविंग मैटर है सब में कार्बन है। उसके बाद कार्बन की रिएक्टिविटी मॉडरेट है, ठीक ठाक है, ये भी नहीं कि भाई बहुत ही ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं और काफी कंपाउंड्स बनाता है। आइसोटोप्स, ये आपको लग रहा होगा मैम कार्बन के आइसोटोप्स तो होते हैं, पर जी नहीं, आप समझिए बात को। अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स देखें, कार्बन के हमारे पास एक्चुअली तीन आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। आपको पता है आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जैसे 666, भाई एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 13 है और इसका मास नंबर 14 है। तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सीन क्या चल रहा है कि हमारे पास जो है सभी का मास डिफरेंट है लेकिन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप तो होते हैं आकांक्षा मैम, लेकिन यार नेचर में जब मैं ढूंढने निकली तो 99.4% मुझे ये मिला, फिर 0. कितना बच गया यार, 99.6% तो मेरे को यही मिल गया, फिर 0.3% मुझे ये मिला और 0.1% मुझे ये मिला, है ना। अब तुम सोचो 99.6 के आगे ये तो नेग्लिजिबल है, ये मुझे क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर मैं बाहर ढूंढने जाऊंगी कार्बन को निकालूंगी वहां से तो 99.6% चांस है कि मेरे हाथ में कार्बन 12 ही आएगा, तो मेरे लिए तो यही रेलेवेंट है, ये तो वैसे ही है नेग्लिजिबल ही ऑलमोस्ट, इनको तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो आइसोटोप होने के बावजूद भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इतने नेग्लिजिबल अमाउंट में पाए जाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फाइनली हमारा जो रेफरेंस एटम है वो कार्बन 12 को सिलेक्ट कर लिया गया। बस यहीं से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना आप। ऐसे बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए कौन से एटम को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया। द आंसर विल बी आकांक्षा मैम कार्बन 12। आप समझिए यार, देखो भाई रेफरेंस एटम मिल गया, अब मेरा काम ये है कि जो भी मैंने रेफरेंस एटम सेलेक्ट किया है मैं उसके रेफरेंस में बाकी एटम्स का मास कैलकुलेट कर दूं, है ना। जैसे कि मैंने अभी क्या किया था, पीछे हाइड्रोजन एटम के हेल्प से बाकी एलिमेंट्स का मैंने मास कैलकुलेट किया था, अब मैं चाहती हूँ कि कार्बन के रिस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करना है ना। लेकिन देखो साइंटिस्ट लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चैलेंज ये कि हम ऑलरेडी सबको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, तो हमने तो सबको ही बता दिया, सारी कैलकुलेशन हो गई, बुक्स बन गई उसके ऊपर। तो हमारे पास जो चैलेंज था वो ये कि ठीक है कार्बन के रिस्पेक्ट में मास कैलकुलेट किया जाए, बट देन जो आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना, कार्बन के रिस्पेक्ट में मास कैलकुलेट किया जाए, रेफरेंस कार्बन एटम हो, पर वैल्यूज नहीं बदलनी चाहिए। ऑक्सीजन का मास 16 ही रहे, हाइड्रोजन का मास मतलब जिसका जितना मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आया था उतना ही रहे। तो उसके लिए हमने देखो क्या किया, भाई आप सबको मालूम होगा कि जैसे मास ऑफ कार्बन 12 एटम हम कैलकुलेट कर रहे थे पहले, है ना, तो कितना निकल कर आया था, तो मैम ये निकल कर आया था 12 इंटू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। क्या ये आप सबको ध्यान है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो यार मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि मेरा जो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम है, मेरा जो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मैं इस 12 को इधर लेकर गई तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना बन गया, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा कि भाई मैंने ना अभी पीछे कैलकुलेशन की थी तो बोला था कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कितना निकल कर आया था, एक नाइट्रोजन एटम का मास, तो भाई एक नाइट्रोजन एटम का मास था 14 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, है ना, ऐसा ही लिखा था हमने पीछे। अब उसकी जगह व्हाट इफ मैं ये लिख दूं, उसकी जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो कैसा रहेगा यार, अब मुझे बढ़िया लग रहा है क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मुझे क्या करना था, मुझे एटम के मास को, जैसे नाइट्रोजन एटम मैंने लिया है ना, कार्बन के रिस्पेक्ट में बताना था,
तो हो तो गया कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम. यानी कि कार्बन के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर आपके नाइट्रोजन एटम का मास आपको बता दिया है ना. लेकिन मेरा चैलेंज क्या है कि मुझे नाइट्रोजन एटम का मास कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में तो ठीक है लेकिन 14 आना चाहिए. अब मैं चाहती हूं ये वाली ओवरऑल वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आए, 14 AMU निकल कर आए. तो यार 14 के अलावा जो भी बचता है, 14 के अलावा क्या बचता है, ये क्यों ना मैं इसको अपनी यूनिट बना लूं, है ना. इसी को यूनिट बना लेते हैं, इसी को आज के बाद हम क्या बोल देंगे, इसी को हम 1 AMU बोल देंगे. क्या कह देंगे इसको, 1 AMU. तो अब हमने किसको डिफाइन कर लिया है, हमने एटम के यूनिट को डिफाइन कर लिया है कि 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ, दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 carbon 12 एटम. एक थम्स अप भेज दो यार, एक थम्स अप प्लीज इसी बात पर, कम ऑन कि यस आकांक्षा मैम आगे बात समझ आ गई. यार इसी को हमने फिर क्या मान लिया कि ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाई जाएगी आज के बाद हमारे लिए, दिस इज दी स्टैंडर्ड वैल्यू. और इसी के हेल्प से अब हम मास को डिफाइन करने वाले हैं, है ना. जैसे कि अब यहां पर मैंने आपको जो सिखाया भाई, मैंने जहां जहां लिखा था ना मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, पहले तो वहां वहां मैंने 1/12 वो मास कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ 1 carbon 12 है ना लिख दिया. फिर इसको मैं AMU कह चुकी हूं, तो ये AMU बन गया, ये मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू है विच इज एटॉमिक मास यूनिट. तो इसकी वैल्यू 1/14 AMU, इसकी वैल्यू बेटा इसकी वैल्यू होगी 16 AMU, और जी इसकी वैल्यू होगी 3232 एटॉमिक मास यूनिट AMU, है ना. आगे बढ़ते हैं. फिर इसके बाद हमने जो है एटम का मास कैलकुलेट कर लिया, बताओ क्या दिक्कत है. लेट अस से मेरा नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 AMU. इस यूनिट को देखकर मैं पहचान जाऊंगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं. फिर इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास. देखो यार आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड, है ना, पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड होता है. अभी यार रिलेटिव स्पीड मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, कि जैसे बी की स्पीड कितनी है ए के रिस्पेक्ट में, है ना, उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं. तो रिलेटिव मास का मतलब है किसी का मास कितना है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, है ना. तो जैसे कि अगर मैं बी का मास कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि कितना है विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे बी का मास पता चले विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे करूंगी भाई. यहाँ पर कितना है मास ऑफ ए 10 kg, मास ऑफ बी 20 kg, तो बी का मास डिवाइडेड बाय ए का मास. ऊपर भी kg है नीचे भी kg है, kg से kg कैंसिल, तो मेरे पास यूनिटलेस नंबर आएगा, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा विच इज 2. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेटिव मास है कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया, मास ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ ए. लेकिन ये तो मेरे को नहीं करना ना, मेरे को रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे एटम का रिलेटिव मास कैलकुलेट करना है यार. तो एटम के लिए जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो इट इज नोन एज RAM, RAM, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम का कितना मास है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इज 1 AMU. अभी आप पीछे पढ़कर ही आ रहे हो, ये जो भाई लिखा है डिनोमिनेटर में ये क्या होता है, AMU होता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है व्हिच इज 1/12 द मास ऑफ 1 carbon 12 एटम व्हिच इज 1 AMU, है ना. तो किसी एटम का मास कितना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज योर RAM, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए देखती हूं, तो देखो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू, तो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम कितना होता है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, है ना. या तो मैं 14 AMU लिखूं या ये पूरा
लिख दो स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज व्हाट, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये अभी आप पढ़कर आए हो, एमई होता है बेटा। डिनोमिनेटर में सेम कहानी लिखी हुई है, तो ये भी वन एटॉमिक मास यूनिट है। कहने का मतलब है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, तो मेरे पास एक सिंपल नंबर बचेगा विच इज 14। वापस से देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या था, 14 amu। रिलेटिव एटॉमिक मास भी वैल्यू तो सेम आ रही है, 14 ही है, पर इसकी कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास होता तो यहां amu लिखा होता, पर कोई यूनिट नहीं है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है। उसके बाद देखो यार, बढ़िया है कि हमने जो है एटम का मास निकालना सीख लिया, लेकिन ना फील नहीं आ रहा। फील सिर्फ तब आएगा कांक्षा मैम, जब मैं बता पाऊं कि मेरा एटम जो है उसका मास कितना है केजीज में, या फिर उसका मास कितना है ग्राम में, है ना। कोई मुझे ये बता दे कि भाई मेरे एटम का केजी में कितना मास है, ग्राम्स में कितना मास है, तब तो बात बनती है। तो उसके लिए हमने जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया विच इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से मैंने क्या किया, देखो भाई सबको मालूम है कि जो 1 amu होता है, मैं क्या करना चाहती हूँ ना, मैं ये देखना चाहती हूँ दैट 1 amu इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज एंड हाउ मेनी ग्राम्स। क्योंकि अगर मुझे 1 amu पता चल जाए कि ये कितना केजी या कितना ग्राम होता है, तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, सबका मैं केजी या ग्राम्स में वेट बता सकती हूँ। क्योंकि देखो भाई, मान लीजिए 1 amu x केजी होता है ना, तो मेरे नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14 amu होता है। तो 14 amu की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 14 into x kg। ये देखो kg में आ गया आपके नाइट्रोजन एटम का मास। तो 1 amu होता क्या है बाय द वे, 1 amu इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 carbon 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का मास डिवाइडेड बाय 12 इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1 amu। ठीक, अब यहां पर अगर मैं एक कार्बन 12 एटम का मास बता दूं कि केजी में कितना है, भाई देखो अगर मेरे पास ये आ जाए मास ऑफ 1 carbon 12 एटम कितना है केजी में, मुझे पता चल जाए कि भाई केजी में इतना होता है, ठीक है, तो मैं उसको 12 से डिवाइड करूंगी और मेरे पास 1 amu यानी कि 1 atomic mass यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया। ये जो मशीन मैंने आपको दिखाई, इसके हेल्प से हमने पहले कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट किया जो कि इतना ग्राम्स निकल कर आया। वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, कार्बन का मास लर्न नहीं करना है। फिर उसके बाद मैंने इसको 12 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आई जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, दैट 1 atomic mass unit जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। कितना, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, ये मेरी 1 atomic mass unit की वैल्यू निकल कर आती है। फिर हमने क्या किया, मेरे को मालूम है कि जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना, तो मेरे पास यहाँ पर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो इसको अगर मैं kgs में लिखूंगी तो आ जाएगा 1.66 × 10⁻²⁷ kg। कितना आएगा, 1.66 × 10⁻²⁷ kg। ऑल्सो फिर हमने क्या किया कि देखिए, ये जो होता है ना अवोगाड्रो नंबर, किस किस को मालूम है क्या होता है, व्हाट इज एन अवोगाड्रो नंबर, हाँ अवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻²। दिस इज योर अवोगाड्रोज नंबर, आगे भी पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, इसको कहते हैं अवोगाड्रोज नंबर। मैंने देखा कि यार अगर मैं पता है इसका रेसिप्रोकल लू, मतलब कि अगर मैं 1/6.022 × 10⁻²⁷ ये कैलकुलेट करती हूँ ना, तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आई 1.66 × 10⁻²⁴। ये तो कमाल ही हो गया यार, ये तो यही वाली वैल्यू है, देखो ये तो यही वैल्यू है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरा 1 atomic mass unit होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू nA ग्राम, 1/nA ग्राम। किसके इक्वल होता है, 1/nA ग्राम के इक्वल होता है। यानी कि मुझे अब क्या पता चल चुका है कि देखिए मेरा जो 1 amu है दैट इज इक्वल टू, वाओ, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम है ना, which is equal to 1.66 × 10⁻²⁷ kg and which is also equal to 1/nA ग्राम। ठीक है, इनमें से जहां मुझे जिसकी जरूरत होगी मैं उसको यूज कर लूंगी। ठीक, अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, अब भाई इधर आ जाओ। आकांक्षा मैम ने आपको कहा कि आप ना नाइट्रोजन एटम का मास बताइए
ग्राम्स में या फिर लेट्स से किलोग्राम में, तो आप क्या कहेंगे कि मैम देखो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम होता है 1 AM 14 AMU, 14 मल्टीप्लाइड बाय दिस ग्राम या दिस मच केजी, आ गया ग्राम या केजी में। तो हमने अपना काम कर लिया और हमने बता दिया कि भाई कितना मास होगा ग्राम्स में, इजंट इट, ग्राम या केजी में भी मैं एटम का मास जो है वो बता सकती हूँ। गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक आपको समझ आ गया। कम ऑन, कैन आई सी अ गुड बिग थम्स अप हियर? कह दो कि यस मैम वी हैव अंडरस्टूड दिस, यस कम ऑन लेट मी प्लीज नो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, शाबाश। अब यार हमारे पास देखो नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पर मूव कर रहे हैं जहां हम एक्चुअली इस चैप्टर के साथ डील कर रहे होंगे, विच इज मोल कॉन्सेप्ट। पहले तो आप समझिए मोल का मतलब क्या होता है। आपने पहले सुना होगा कि यार मेरे को 1 dozen बनाना चाहिए, है ना, मेरे को 1 dozen एप्पल चाहिए। तो 1 dozen का मतलब क्या होता है, जब मैं डजन बोलती हूँ ना कि 1 dozen एप्पल, तो 1 dozen में कितना आता है भाई, 12 आता है, 12। इसका मतलब मेरे को 12 एप्पल्स चाहिए। कितना एप्पल्स चाहिए, 12 एप्पल्स चाहिए, है ना। डजन का मतलब ही 12 है, तो जिस भी चीज के आगे डजन लग जाएगा वो 12 हो जाएगा। मुझे 1 dozen आकांक्षा मैम चाहिए, कौन चाहिए, 1 dozen आकांक्षा मैम, तो बेटा तुम्हें 12 आकांक्षा मैम चाहिए। ऐसे ही मोल जो होता है दैट इज ऑल्सो अ नंबर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है 6.022 × 10^23 एंटिटीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 6.022 × 10^23 एंटिटीज को, मतलब, और इसको हम अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। मतलब ये होता है कि जिस भी चीज के आगे मोल लग जाएगा, है ना, जिस भी चीज के आगे मोल लग जाएगा वो 6.022 × 10^23 हो जाएगी। मतलब लेट अस से कि मैं कह रही हूं कि आपके पास 1 mole आईफोन है ना, 1 mole आईफोन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे पास 6.022 × 10^23 इतने आईफोन्स हैं। बढ़िया है, मजा ही आ जाएगा मैम, पर इतने चाहिए नहीं हमें, है ना। अब मैं कह रही हूँ आपके पास 6.022 × 10^23 आकांक्षा मैम है, मतलब समझ लो यार मैम कोई बढ़िया एग्जाम्पल दो, ऐसे कहो कि तुम्हारे पास 6.022 × 10^23 रुपीज हैं। क्या बात है मैम, मतलब जिंदगी अपनी तो कट ही जाएगी, पीछे आने वालों की भी कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई बढ़िया बात बताओ, जब इमेजिन ही करना है तो कुछ बढ़िया करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जिस भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी के साथ आप मोल लगा दें वो 6.022 × 10^23 बन जाता है। तो पहले तो आपको मोल का मतलब समझ आ गया होगा, फिर उसके बाद मोलर मास क्या होता है, व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास मतलब किसी भी सब्सटेंस के, है ना, किसी भी सब्सटेंस के 1 mole का मास। यानी कि आईफोन का मोलर मास क्या होगा, आईफोन का मोलर मास होगा 6.022 × 10^23 iPhones का मास will be iPhone का मोलर मास, है ना। और उसको हम रिपोर्ट करते हैं ग्राम्स में, जो यूनिट जिसमें मास को या मोलर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या होती है, मास होती है। अब जस्ट इमेजिन कि मेरे को 1 mole नाइट्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना है कि भाई 1 mole का मास कितना है। मैं ये जानती हूं कि मास ऑफ 1 atom ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 atom ऑफ नाइट्रोजन यार कितना होता है, 14 AMU होता है, कितना होता है, 14 AMU, है ना। फिर मुझे पता करना है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 6.022, व्हाट विल बी द मास ऑफ 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने एटम का कितना मास होगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो मेरा उसका आंसर होगा कि भाई 14 AMU मल्टीप्लाइड बाय, वैसे तो ये होना चाहिए कि 14 AMU मल्टीप्लाइड बाय जितना भी है 6.022 × 10^23 जो कि क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, राइट। सबको मालूम होगा कि 6.022 × 10^23 यही तो अवोगाड्रो नंबर होता है जिसको आप NA से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये है, अब मेरे को बताओ यार यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या आपने पीछे पढ़ा था कि 1 AMU 1/NA ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ तो 1 AMU की जगह क्या लिखोगे, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/NA ग्राम, और यहाँ NA ऑलरेडी है तो NA से NA कैंसिल हो जाएगा और भाई मेरे पास 14 ग्राम बचेगा। तो मेरा मोलर मास कितना निकल कर आ गया, जो हमारा मोलर मास है वो निकल कर आया है 14 ग्राम, है ना।
यानी कि देखो काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने जो है नाइट्रोजन एटम का मास कैलकुलेट किया, एक बार ही नाइट्रोजन एटम का मास निकल कर आया 14 AMU, कितना निकल आया 14 AMU निकल कर आया, एक बार ही निकल कर आया केवल 14 जिसकी कोई यूनिट नहीं है, और एक बार ही निकल कर आया 14 ग्राम, है ना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ ये कौन सा मास होता है। देखो सबकी जो वैल्यू है वो 14 14 14 ही है, यहाँ पर जितने भी मेरे मास हैं सबकी वैल्यू 14 आ रही है, लेकिन यूनिट से पता चल रहा है कि ये एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास है, ये यूनिटलेस है तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि ग्राम है, और क्योंकि ये ग्राम्स में है तो यार ये मेरा मोलर मास है। इसीलिए मैं जानती हूँ कि जब आप मास लिखा हुआ देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कभी तो मास की यूनिट ग्राम, कभी AMU, कभी यूनिटलेस, कहना क्या चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि ये एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, मोलर मास है, आप खुद ब खुद यूनिट देखकर पहचान सकते हो कि आपको कौन सा मास दिया गया है, ठीक है। लास्टली जो हमारे पास टाइप ऑफ मास बनता है, काफी जल्दी, बहुत बढ़िया, एकदम जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे, काफी जल्द हमने यहां तक हम पहुंच गए हैं, है ना। चैप्टर का यही वाला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा, जिसमें हमें अभी आगे मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर उसके बाद रिलेटिवली आसान चैप्टर बचता है और जल्दी 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 फिर तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास बोले तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास इज मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि यार मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो सबको आता है, देखो भाई वाटर, वाटर एक मॉलिक्यूल है ना, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, इसका मास कितना होगा। तो मैम इसका मास होगा 2 × मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 × मास ऑफ, ऐसे लिख लो, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जगह लिख लो, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ये कितना हो जाएगा 1 × मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो भाई एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 + 16 = 18, तो हमारे पास जो मास निकल कर आया वो कितना आ गया 18, और यूजुअली हम इसको यू यूनिट देते हैं, ओनली यू विच इज यूनिफाइड मास, या ग्राम्स में भी रिपोर्ट कर देते हैं कई बारी, तो 18 निकल कर आया वाटर का मॉलिक्यूलर मास, जो आई बिलीव कि सबको आता होता है, ये सब जानते हैं, है ना। अब उसके बाद ये आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादातर यूनिट्स में यूज भी हो रहा होगा, एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना भाई। देखो अभी तो आपने ये पढ़ा है या ये सीखा है कि एक मोल किसी भी चीज का अगर होता है तो एक मोल में 6.022 × 10²³ एंटिटीज होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने ना आपको 36 ग्राम वाटर दिया है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आपको 36 ग्राम वाटर दिया है, अब आप मुझे बताइए कि 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे, इसके अंदर वाटर के कितने मोल्स आ गए होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम ये तो पता नहीं, है ना। तो यही हम यहाँ पर सीखते हैं कि मास से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ्रॉम मास। तो देखिए भाई हमारे पास क्या होता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये जानते हैं कि एक मोल का जो मास होता है, वन मोल के मास को, यार वन मोल का जो मास होता है उसको आप क्या कहते हो, जल्दी से बताओ, वन मोल का मास इज एम ग्राम, विच इज योर मोलर मास, या फिर मैं कह सकती हूं एम ग्राम में, एम ग्राम से एक मोल बनता है, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, हर चीज के एक मोल का मास मोलर मास ही तो होता है, कह दो यार यस मैम, मेरे को यस क्यों नहीं दिख रहा चार्ट सेक्शन में, बोलिए यस मैम सही है ना, समझ आ रहा है। तो यार हमारे पास ये जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मोलर मास को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेरे पास अगर किसी चीज का एम ग्राम है तो उससे वन मोल बनता है, लेकिन अगर मेरे पास मान लो यार किसी चीज का डब्ल्यू ग्राम हो तो डब्ल्यू ग्राम से कितने मोल्स बनेंगे, सोचिए एक बारी भाई, मेरे पास किसी चीज का अगर एम ग्राम था या फिर डब्ल्यू ग्राम भूल जाओ, पहले थोड़ा आसान बनाते हैं, वन ग्राम में कितने मोल्स होंगे, अगर एम ग्राम में से वन मोल बनता है तो वन ग्राम से कितना मोल बनेगा, मैम 1/M मोल बनेगा, 1/M मोल बनेगा, तो डब्ल्यू ग्राम से बताओ, डब्ल्यू ग्राम से फिर कितना बन जाएगा, हाँ
डब्ल्यू बाय एम मोल्स इतने मोल्स बन जाएंगे. दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बाय एम, वेयर डब्ल्यू इज द गिवन मास. बेटा जहां डब्ल्यू तो तुम्हारा गिवन मास होता है कि गिवन मास मेरे पास इतना है, और कैपिटल एम मेरा मोलर मास होता है कि मेरा मोलर मास इतना है, है ना. W is the given mass and capital M is your molar mass. So number of moles is equal to W by M, which is given mass by molar mass. ठीक है, तो ये हमने एक formula सीख लिया. अब जैसे कि हमारे पास यहाँ सामने लिखा है कि हमारे पास जो है ना 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है. कितना सल्फ्यूरिक एसिड है? 19.6 ग्राम H2SO4. अब मेरा काम ये है कि मुझे चेक करना है कि इसके पास मोल्स कितने हैं. तो यार पहले तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका मोलर मास कितना होता है. तो 2 इंटू द मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक सल्फर एटम का मास कितना है प्लस चार ऑक्सीजन एटम्स का मास, है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो जी 2 × 1 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस 4 × 16, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 विच इज 98 ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो मोलर मास है 98 ग्राम आ गया और जो मेरा गिवन मास है वो 19.6 ग्राम है. तो 19.6 डिवाइडेड बाय 98 ये क्या होगा आपका, दिस विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स. इसकी इतने ग्राम में इतने मोल्स आते हैं. तो किसी के भी मोल्स, आई होप आपके लिए कैलकुलेट करना भी काफी आसान है. इस बात को हम समराइज कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज का मास गिवन है और मुझे उससे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी और मेरे पास मोल्स आ जाएंगे. वहीं अगर मुझे किसी चीज का मोल्स गिवन है और मुझे उसका मास कैलकुलेट करना है तो मैं मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास उसका गिवन मास निकल कर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास होता है, देखो ये तो मैंने अपने मोल्स की कैलकुलेशन की किसके हेल्प से, मास के हेल्प से. लेकिन जस्ट इमेजिन कि मुझे कहा गया कि मेरे पास ना 2 × 10^30. सोच कर देखो एक बारी, मैंने तुमको कहा कि तुम्हारे पास 2 × 10^30 हाइड्रोजन एटम है. क्या दिया मैंने तुम्हें? 2 × 10^30 हाइड्रोजन एटम. अब तुम मुझे बताओ कि 2 × 10^30 हाइड्रोजन एटम में कितने मोल्स होंगे. यानी कि अब हमारे पास जो दूसरा रिलेशन आता है ना वो ये, देखो पहले तो हमने क्या किया, गिवन मास के हेल्प से मोल्स को कैलकुलेट किया कि भाई हमें जो है ना मास गिवन था और उस मास के हेल्प से हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया. लेकिन दूसरे केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं. सो इन द नेक्स्ट केस विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे. बात को समझिएगा कि भाई देखो क्या बोलते हैं नम पार्टिकल का मतलब क्या होता है. पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, जैसे एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी, है ना. पार्टिकल इज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, एटम ब्ला 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 एक्सेट्रा कुछ भी. कि मैंने आपको कह दिया तुम्हारे पास इतने हाइड्रोजन एटम है या इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, अब बताओ. मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, ठीक है, उसके लिए क्या रिलेशन हमारे पास बनता है. देखिए भाई हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल में, है ना, एक पार्ट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो है एन ए किसी चीज के जब पार्टिकल्स होते हैं ना, एन ए पार्टिकल्स होते हैं जब किसी चीज के, तो उससे तुम्हारे पास 1 मोल बनता है. मानते हो या नहीं, है ना. जब तुम्हारे पास किसी चीज का एन ए होता है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर जब तुम्हारे पास कोई पार्टिकल या कोई एंटिटी होती है तो तुम कहते हो ये 1 मोल है, 1 मोल है. तो आपके पास अगर किसी चीज का सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, भाई तुम्हारे पास अगर एक ही पार्टिकल होगा तो तुम क्या कहोगे कि तुम्हारे पास 1/NA के बराबर मोल्स हैं. कितने मोल्स हैं? 1/NA के बराबर मोल्स हैं. लेकिन अगर आपके पास एन पार्टिकल्स हो जाए, मतलब आपको अगर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर आपके
आपके पास n पार्टिकल्स हो जाएं, तो तुम कहोगे कि मेरे पास n अपॉन na के बराबर क्या है, मोल्स है। तो फाइनली मेरे पास ये दूसरा रिलेशन आ जाता है जहां पर हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से बता रहे हैं कि हमारे पास मोल्स कितने हैं। तो मेरे पास ये एक नया रिलेशन जहां मैं कह सकती हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, वेयर दिस इज माय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। यार ये क्या होता है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और ये क्या होता है, मेरा एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये होता है आपका एवोगाड्रोस नंबर। उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। एंड हियर वी आर, अगर आपको इसी बात को समराइज करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई देखो, अगर मेरे पास किसी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैं उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगी और मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। अगर मेरे पास मोल्स हैं तो उसको मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट इमेजिन तुम्हें यह दिया गया है कि तुम्हारे पास 0.2 Na हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब तो मुझे बताओगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब हमारे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, बताना जरा, मोल्स कैलकुलेट कर कर बताओ। तो आपका आंसर होगा कि आकांक्षा मैम, फिर तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और मैम एनए से एनए कैंसिल कर दो तो बचेगा 0.2, यानी हमारे पास हो गए कितने मोल्स, 0.2 मोल्स। कूल है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा ना लैंग्वेज के अराउंड खेल सकते हैं, यानी कि कभी कभार लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट अराउंड कर दिया जाता है। यानी कि अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कहीं लिखा है नंबर ऑफ टू ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कि वो नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है कि कार्बन एटम के दो मोल्स हैं, या कहीं लिखा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों ही बातों का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। दोनों तरीके से वो आपको मोल्स की ही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतने मोल्स हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 में, है ना। देखो भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये समझ आना चाहिए यार कि जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया मेरे को पता चल रहा है मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब तो शायद नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है यार, है ना। तो मतलब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, और मेरे पास ये फॉर्मूला है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि आपके पास कितने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर मुझे किसी तरह नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए और फिर मैं उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 19.6 डिवाइडेड बाय 98, बताना जरा कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 0.4, है ना। व्हाट इज 19.6 डिवाइडेड बाय 98, भाई 0.2। ठीक, कितना आया, जीरो, कितना स्लो हो तुम बता ही नहीं रहे हो, 0.2। तो ये आएगा हमारे पास 0.2, है ना। तो ये आ गया भाई 0.2 आ गया। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो जी आ गया 0.2, फिर क्या करोगे, हाँ अब आ तो गया नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास 0.2। अब आप क्या करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दीजिए, 0.2 इंटू एन ए। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। फिर कह रहे हैं कि एटम कितने हैं, भाई देखो हमें ये पता चला कि हमारे पास ये जो 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसके अंदर 0.2 Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके जी, हमें ये भी पता है कि जो एक मॉलिक्यूल होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के अंदर टोटल 7 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं टोटल बेटा, 7 एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम्स होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इतने में इतने मोल्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम्स हैं, तो हमारे पास 0.2 Na, 0.2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे, तो भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 0.2 Na, इतने आपके पास क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो यहां निकल कर आएगा 1.4 Na, मेरे पास इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने एटम्स हैं।
फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, मतलब वो कहना चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बताओ कितने एटम्स, हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, सल्फर के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि एक मॉलिक्यूल जो सल्फ्यूरिक एसिड का है उसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम है। अगर सारे मॉलिक्यूल्स में कुल मिलाकर 1.4 Na के बराबर एटम्स हैं तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यार तो आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम, है ना। ठीक है, टोटल इतने एटम्स हैं आपके पास, या फिर अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपके पास यहां पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी प्लीज नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, फटाफट बता दो। हां जी, लास्ट वाली बात समझ आई? देखो मैं ना दूसरी स्लाइड पे कर देती हूँ, बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने यहां पर। भाई सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो 19.6 ग्राम H2SO4 है उसके अंदर 0.2 Na मॉलिक्यूल्स है, किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के। एक H2SO4 के अंदर वन मॉलिक्यूल लिख लो चाहे, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक, तो 0.2 Na मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 2 × 0.2 Na के बराबर होगा कि नहीं, विच इज 0.4 Na की नहीं, है ना। कितना हो जाएगा? 0.4 Na बेटा, कितना होगा? 0.4 Na होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना आ गया? 0.4 Na। सल्फर कितना आ गया? सल्फर कितना आएगा देख लेना। ठीक है, सल्फर तो एक ही है तो 0.2 Na ही आएगा, 0.2 Na। और भाई ऑक्सीजन जो है ना ये आ जाएगा आपका 0.8 Na के बराबर। सो वी आर डन, आगे बढ़ते हैं और लास्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है वॉल्यूम का रिलेशन। यार एक थम्स अप भेज दो अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और यहां तक अगर आप सब समझ पाए हैं तो कम ऑन, एक थम्स अप प्लीज। वेरी गुड, अभी तो देखो एक घंटा नहीं हुआ है, है ना। सो सिंस वी स्टार्टेड तब से अब तक देखा जाए तो एक घंटा भी नहीं हुआ है, बट हमने काफी कुछ कर लिया। वाह 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 वाह, नाइस, है ना, काफी कुछ कर लिया है हमने। आइए आगे बढ़ते हैं एंड इसको देख लेते हैं हम अभी। हाँ जी, तो देखो हमारे पास वॉल्यूम का रिलेशन कैसे आता है। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पी स्टैंड फॉर प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है, और टी होता है जी आपका टेम्परेचर। अगर मैं आपको कहूं कि यार एस टी पी पर देखो, एक्चुअली ना हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस डिफाइन करते हैं जिसको हम एस टी पी बोलते हैं। एग्जाम में भी आपके सामने लिखा आ सकता है कि एस टी पी पर बताओ ये कितना होगा, ये एस टी पी पर बताओ इसके मोल्स कितने होंगे। तो ध्यान रखिएगा एस टी पी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां हम टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्डाइज कर दें यानी कि उनकी एक फिक्स वैल्यू बना दें उसको एस टी पी बोलते हैं। पहले जो मेथड हमने लिया था उसमें हम कहते थे कि अगर मेरा 180 प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यार 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो इसका मतलब मैं उसको क्या कहूंगी कि ये मेरी एस टी पी कंडीशन है। वहीं अगर मेरा प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर 273 केल्विन है तो मैं क्या कहूंगी कि ये मेरी एस टी पी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा? ये मेरी एस टी पी कंडीशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, विच इज एस टी पी। ये ओल्ड कन्वेंशन था, ये हमारे पास एक न्यू कन्वेंशन है। ऑल्सो ध्यान रखिएगा आगे आप देखो 180 और 1 बार में ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। 180 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.013 बार, तो 1.013 सेकेंड डेसिमल प्लेस पर आकर कोई वैल्यू नजर आती है वो भी 1, तो ऑलमोस्ट 1 ही है यार, है ना। बस ध्यान रखना 180 1 बार से थोड़ा बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए कि मेरे पास ना गैस है, ठीक है, और गैस का मेरे पास 1 मोल है, तो एसटीपी पर वो गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। तो मैम आपने कहा कि आपके पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए मेरे पास इक्वेशन बनेगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम को मैं कह सकती हूँ एनआरटी बाय पी, है ना। वॉल्यूम कितनी हो गई भाई? एनआरटी बाय पी हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें रखना है 1 मोल, है ना बेटा। आर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.08 to 1, ये फिक्स होती है। लीटर एटीएम
पर केल्विन पर मोल, ठीक। फिर जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है तुम्हारे पास कितना होता है, टेम्परेचर एसटीपी पर 273 केल्विन है ना, 273 केल्विन। और जी प्रेशर आपको लेना है 118। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास निकल कर आएगा 22.4 लीटर। कितना निकल कर आएगा? 22.4 लीटर। इसका मतलब हमें यह पता चला है कि अगर मेरे पास एक वन मोल है गैस का, यानी हमें यह पता चल गया है कि अगर मेरे पास एक गैस का वन मोल है, तो वन मोल जो है गैस का वो 22.4 लीटर के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। और वहीं अगर मेरे पास, अगर मैं 1 atm लेती हूं ना, तो आप देखिए वॉल्यूम कितनी आ रही है, 1 atm और 273 केल्विन पर 22.4 लीटर। वैसे ही अगर आप 273 केल्विन ले और atm की जगह 1 बार ले, तो यार तुम्हारे पास ये वैल्यू 22.7 लीटर निकल कर आएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसे दो स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, एक 22.4 लीटर और एक 22.7 लीटर। तो मेरे पास ये तो आ गई 22.4 लीटर और ये आ गई कितना, 22.7 लीटर अगर 1 बार है। अब देखिए भाई, मेरे को ये पता चल गया है कि मेरे पास जो है ना, अगर किसी गैस का मेरे पास 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर से एक मोल बनता है ना भाई। जब मैंने कैलकुलेशन की थी जहां मेरे पास वन मोल निकल कर आया था, तो फिर मेरे पास मैंने जो वॉल्यूम है वो कितना लिया था, 22.4 लीटर के बराबर लिया था, है ना। तो 22.4 लीटर से मेरे पास वन मोल बनता है, कितना मोल बनता है, वन मोल बनता है। तो आप मुझे बताइए कि वन लीटर से कितना मोल बनेगा, 1/22.4 लीटर इतना मोल्स बनेगा, है ना भाई। 22.4 लीटर अगर 1 मोल बनाता है, तो 1 लीटर से 1/22.4 मोल बनेगा। और अगर मैं आपको किसी भी चीज का V लीटर दे दूं, तो उसके कितने मोल्स होंगे, V लीटर अपॉन 22.4 लीटर, उसके अंदर इतने मोल्स होंगे। यानी मेरे पास एक नया रिलेशन निकल कर आया है, अगर मुझे किसी चीज का वॉल्यूम गिवन है ना, अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है, तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। ध्यान रखना कि ये वाली जो रिलेशन होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वी अपॉन लीटर, 22.4 लीटर भी लिख सकते हो या 22.7 लीटर भी लिख सकते हो। ये वाली जो रिलेशन होती है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में ही अप्लाई की जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये रिलेशन आई कहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से आया। तुम्हें कैसे पता चला कि एक गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पर, आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से, है ना। तो ये जो रिलेशन है आप हर जगह नहीं लगा सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड होती है। तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 1.12 लीटर है हाइड्रोजन गैस का एट 1 atm एंड 273 केल्विन। परफेक्ट है, मुझे यहाँ पर एसटीपी कंडीशन दी गई है। हाइड्रोजन अगर मैं बात करती हूँ, मुझे पता है हाइड्रोजन तो गैस ही होता है, लग जाएगी इस पर इक्वेशन और हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.12 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना, 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4, तो यहां से मेरा मोल्स आ जाएंगे। अभी ऐसे ही इसको करिए, तो यार CO2 ये भी गैस होती है और एसटीपी कंडीशन दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स विल बी जितना मेरा गिवन वॉल्यूम है विच इज 224 ml डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर। 22.4 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, तो मैं क्या करूंगी, 22.4 × 1000, है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल गिव मी 224 डिवाइडेड बाय 2400, भाई 2 ही 0 आएगा, ये भी मिलीलीटर बन गया, ये भी मिलीलीटर, है ना। ऑब्वियसली अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूनिट हैज टू बी सेम, आइदर तुम न्यूमरेटर को लीटर में बनाओ या आप अपना डिनोमिनेटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां से मेरे पास 0.001 के बराबर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लास्ट क्वेश्चन में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको बहुत केयरफुली आपको देखना है। मुझे कहा गया एसटीपी कंडीशन है, वेरी गुड, लेकिन एसटीपी पर मुझे वाटर दिया गया है। बेटा एसटीपी का मतलब होगा 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर
गैस होता है, बताना जरा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तुम ढूंढने जाओगे तो क्या तुम्हारा वाटर तुम्हें गैस फेज में मिलेगा? ऑल्सो यार जो बच्चे, देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, हजारों बच्चे होते हैं उस टाइम, है ना, पर थोड़ी देर बाद तुम्हारा जो ये है जरा कम 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 होते होते तुम जो है बिल्कुल, हाँ, तो आई वुड वॉन्ट जितने स्टूडेंट्स अभी बने हुए हैं यार, जब तक मैम आपके साथ हैं आप भी सेशन को लाइव एंड तक अटेंड करेंगे, कम ऑन प्रॉमिस मी हियर, लिखो चैट में प्रॉमिस मैम, है ना, थोड़ा ही बाकी है। अरे मेन जो पार्ट जिसमें ज्यादा टाइम लगता है वो यही था और जो कि ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस मैम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहां वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉलिड फेज होता है। तो चलो सॉलिड भले ही ना हो, लेकिन ये गैस तो किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद भी लिक्विड बनेगा, फिर कहीं जाकर ये जो है गैशियस फेज में आएगा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर। तो भाई वाटर यहाँ गैस फेज में तो पक्का ही नहीं है, तो इसके ऊपर ये इक्वेशन तो लग नहीं पाएगी, पर अब हम क्या करें मैम। तो ध्यान रखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है छोटी सी, वो ये कि वाटर की जो डेंसिटी होती है ना यार 1 ग्राम पर ml होती है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, और 1 ग्राम पर ml को ध्यान रखना तो बिल्कुल भी मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम पर ml इज तो 111, तो बड़ा आसान है लर्न करना, है ना। फिर हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी मेरे पास कितनी है बताओ यार, डेंसिटी मुझे दे दी इन्होंने 1, है ना, 1 ग्राम पर ml, मास जो है वो तो पता नहीं किधर है, मास तो हमें पता ही नहीं मैम, वॉल्यूम कितनी है 112 ml, है ना। तो तुम यहां से मास कैलकुलेट कर लो, ये तुम्हारे पास निकल कर आएगा यार 112 ग्राम के बराबर, कितना मास निकल कर आया 112 ग्राम, है ना। तो आपके पास यहाँ पर 112 ग्राम है, तो यार वाव मैम मजा ही आ गया, लाइफ तो सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि जी अकांक्षा मैम 1/2 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास, कर लो यार मोल्स कैलकुलेट, बताओ कोई दिक्कत है अगर, है ना, 112 डिवाइडेड बाय 18, आई थिंक 6 point something something आता है, तुम भी बता दो कुछ, आप भी बोलिए कुछ तो कहिए, हाँ 6.22 आता है मैम, कहीं और गलत हो ऐसा तो हो नहीं सकता, 6.22 ग्राम नहीं भाई मोल होगा, ठीक, आया सबको समझ, हैव यू अंडरस्टूड दिस, आया 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 सबको समझ आया, आया मैम, है ना, चलिए। अच्छा आई होप यू नो कि कल रेडॉक्स की क्लास है, और एक बार हम रेडॉक्स रिएक्शन पूरा कर लें, फिर परसों 8:30 बजे, यार देखो फिजिकल में 8 चैप्टर्स हैं टोटल, अब मुझे कोई नाम तो करना नहीं कि देखो मैंने 8 दिन में पूरा फिनिश करा दिया, हालांकि डो नॉट वरी 1 day 1 chapter ही होगा, एक दिन में एक ही क्लास होगी, पर सिर्फ चैप्टर्स करना मायने नहीं रखता है, क्वेश्चंस और फिर उसकी प्रैक्टिस करना मायने रखता है, कि क्वेश्चंस हो फिर उनका टेस्ट भी लिया जाए, है ना। तो इसीलिए परसों कोई क्लास वैसी क्लास तो नहीं हुई जिसमें मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, परसों मैं कमेंट सेक्शन में क्लास का लिंक पिन करा दूंगी, जिसमें कि यार तुम्हारी प्रैक्टिस क्लास होगी, सॉल्यूशंस, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स। तो जितनी बड़ी ये वाली क्लासेस होती हैं उतनी बड़ी वो वाली क्लास होगी, जिसमें हम एक क्लास में सॉल्यूशंस के जितने PYQ हैं, मोल कॉन्सेप्ट के PYQs और जितने बढ़िया क्वेश्चंस हैं प्लस रेडॉक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, है ना। फिर तुम उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और फिर संडे या फिर संडे तो या MTS, सैटरडे में तुम्हारा टेस्ट ले लूंगी, सैटरडे फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो परसों हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट डे एक पूरा चैप्टर 1 shot में फिनिश करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, 3 यूनिट करेंगे, 3 chapters के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर 3 chapter करेंगे, उन 3 question का क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हर बारी में आपका वीक एंड पर 3 chapters का एक टेस्ट भी, कंबाइंड टेस्ट हम रख लेंगे, ठीक है। यार फाइनली मैं इसको अभी आपके लिए समराइज कर देती हूँ, जो भी हमने सीखा, कि अगर मेरे पास मास गिवन हो मुझे और मुझे मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मैं मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी, मोल्स गिवन हो मास कैलकुलेट करना है तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय दी मोलर मास। ऑल्सो बेटा अगर मेरे पास वॉल्यूम गिवन है और मुझे उसको मोल से वॉल्यूम से मोल्स फाइंड आउट करना है, तो मैं वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगी या तो 22.4 liter से, या अगर मुझे 22.7 liter चाहिए उससे, अगर मेरे पास मोल्स है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगर मेरे पास मोल्स है और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है तो मैं इसको एवोगाड्रो नंबर से मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, और अगर मेरे पास पार्टिकल्स है और मुझे मोल्स कैलकुलेट करना है तो मैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगी। वाओ जितना स्पीड से ये बात को मैंने कहा
उतना ही स्पीड से आप समझोगी नहीं, हाँ उतना तुम भी समझोगी नहीं, ये बताना जरा। नहीं नहीं हाँ हाँ कुछ तो बोलिए। उफ, लेट मी प्लीज नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस आकांक्षा मैम, वाह आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये कर दो, चलो इसको ये कर कर दिखाओ। सॉन्ग सुना है आपने, ये कर कर दिखाओ, ये कर कर दिखाओ। मतलब मैं उतना अच्छा गा नहीं सकती हूँ इसको, बट ये सॉन्ग होता है और काफी रिसेंट ही है। एनीवेज, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम CO2। मैं कोई गाना गाऊं अगर, वो बेचारा तुम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसको, ये कौन सा सॉन्ग है, ये एग्जिस्ट करता है मैम? हाँ जी, तो कर कर तो दिखाओ यार। वाह, चलो वॉल्यूम कह रहे हैं कितना ऑक्यूपाई करेगा, 8.8 ग्राम CO2। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, देखकर स्ट्रेस नहीं लेना, ओ गॉड ये तो होने ही नहीं वाला है ना। देखो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है यार कि हमारे पास वॉल्यूम मुझे पूछ रहे हैं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक, अब देखो ये होता है मेरा फॉर्मूला है ना, और फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि मुझे इसका मास दिया गया। तो यार नंबर ऑफ मोल्स तो ये भी होता है कि गिवन मास बाय मोलर मास, इसका गिवन मास 8.8 ग्राम दिया है, इसका CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन इज 12 ऑक्सीजन 16 इनटू व्हिच इज 44, तो हमारे पास क्या आएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है कितना हो जाएगा, 8.8 डिवाइडेड बाय 44, दिस इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4 लीटर, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8.8 डिवाइडेड बाय 44 कितना होगा, 0.2। हाँ सही बोल रही हूँ मैं, 8.8 डिवाइडेड बाय 44 ऑब्वियसली 0.2 है ना, तो 0.2 आ गया हमारे पास ये, इसको कर दो मल्टीप्लाई यार, कितना आएगा सोचो एक बारी, तो दिस विल बी क्लोज टू 4.48 लीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा 4.48 लीटर, इतना वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। एनीवेज उसके बाद देखो, अभी हमारा मोल्स वाला सेक्शन फिनिश ही होने जा रहा है। ठीक है, बस मैं ये और सिखा दूं आपको कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बस फिर इसके बाद तो बहुत आसान पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बस जितना मैं बोलूंगी उतना सुन लोगे, उतने में सिर्फ सुनने भर से आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट, सुपर डुपर 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 इंपॉर्टेंट, वहां से पक्का ही क्वेश्चन आ सकता है। और भाई मैं चेक कर रही थी ज्यादातर MCQ कहां से आते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज वन सब टॉपिक जहां से बहुत ज्यादा रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी उस टॉपिक के बहुत हाई है, एग्जाम में ज्यादा ही पूछ लेते हैं उससे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना तो सीख लिया, मास के हेल्प से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से, गिवन वॉल्यूम के हेल्प से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है एक्स नाम का, अगर मेरे पास एक्स नाम का एक न्यूट्रल एटम हो जिसका जेड एटॉमिक नंबर हो और ए उसका मास नंबर हो, ठीक है भाई, इसका जो Z है वो क्या है मैम, ये Z इज द एटॉमिक नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर है। व्हाट इज A बेटा, A इज योर मास नंबर, A क्या है मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है। तो हमारे पास इस ध्यान रखना कि अगर एक एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब सब बच्चे समझते हैं मैम, न्यूट्रल का मतलब होता है जो चार्ज लेस हो, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों से में से कुछ भी ना हो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा किसके बराबर होते हैं, जेड वैल्यू के बराबर होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, मास नंबर माइनस दी एटॉमिक नंबर। चलो इसको कर कर दिखा, देखिए हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम लिखा है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मोलर मास 16। कह रहे हैं
कि जी ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स। चलो फटाफट बता दो क्या लिखूं। ओहो मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा यार, क्या लिखना चाहिए बता दो, क्या लिखूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, कोई तो इसके ऊपर चार्ज है नहीं, है ना। फिर क्या होगा, अटोमिक नंबर के बराबर विच इज 8। जी ये भी 8 है। और आकांक्षा मैम ये तो होगा 16 - 8 विच इज ऑल्सो 8। ठीक, नाइट्रोजन 7 14 7 7 14 - 7 विच इज ऑल्सो 7। एफ नेगेटिव, भाई एफ नेगेटिव में देखो चाहे किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए उससे प्रोटॉन को कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तब आता है, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो मैंने कहा कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या मान लो नेगेटिव भी आ जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी अफेक्ट नहीं होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी अफेक्ट नहीं होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसलिए अफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि यार वो तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता, तो पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटॉन को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मान लो ए नाम का एक न्यूट्रल एटम है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा इसमें से। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी कि जब ये कैटायन बनता है। तो न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये कैटायन बन जाएगा, और इसमें से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों है, क्योंकि इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन कम हुए यार, प्रोटॉन का तो कुछ नहीं किया हमने, प्रोटॉन तो जैसे थे वैसे ही होंगे, है ना, प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ऐसे ही मान लो अगर किसी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। सिमिलरली अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके ऊपर ए माइनस चार्ज आता है, इस केस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो ध्यान रखिए चाहे किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव, प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली चेंज होंगे। जैसे N नेगेटिव है, F नेगेटिव होता है, ठीक है, फ्लोरीन का मास नंबर होता है 19 एंड एटॉमिक नंबर होता है 9, तो जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9। F नेगेटिव है यानी फ्लोरीन के ऊपर माइनस 1 है तो 9 + 1 विच इज 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फिर आउच F नेगेटिव है ना, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर विच इज 19 - 9 एंड दैट इज 10। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 10। N3 नेगेटिव में भी चेक कर लीजिए भाई, यहां पर 7 14 7 7 + 3 विच इज 10, ऐसा लग रहा है 7 × 3 7 + 3 विच इज अगेन 10, 14 - 7 विच इज 7, आहा, है ना, बताओ कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आपने कर लिया। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं आपको कह दूं कि आप ना मुझे ये बताइए कि भाई CO3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, फिर इसमें तुम क्या करोगे। देखो अभी तक तो आपके पास एटम्स जैसे बड़े सिंपल सिंपल केस थे जिसमें आपने तुरंत देखकर बता दिया एटॉमिक नंबर या मास नंबर के बेसिस पर जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल आए तो तुम्हें क्या करना है, देखो जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की। उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एक कार्बन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन 3 ऑक्सीजन है ना, तो आपने जेड नंबर ये कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास कितना आ गया 6 + 3 × 18, बताना जरा 3 × 18 इज 24, 24 + 6 विल बी 3030। ठीक है, कर लिया हमने कैलकुलेट, राइट। अब प्रोटॉन्स कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, बिल्कुल जितना एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर में, +2 करिए क्योंकि -2 तो तभी आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड हुए होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसका जब तुम मोलर मास कैलकुलेट करोगे, कार्बन का 12, 3 × 16 यार 3 × 16 = 48 होता है, 48 + 12 विल बी 6060, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 60 - 30 जो कि होता है 3030। ठीक, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 30, प्रोटॉन्स आ गए 30 एंड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3232। ठीक है, कर सकते हो उसको कैलकुलेट। चलो फिर ये अगर आप कर सकते हैं तो आप जरा मुझे ये बताइए कि भाई हमारे पास है वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना। चलो वाटर के बारे में बताओ क्या ख्याल है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं वाटर में। तो मैम इसकी जेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मैम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये आएगा
10 और मैम इसका जो मास नंबर आएगा वो आएगा 16 है ना, सॉरी 18, इतना आता है मोलर मास ऑफ वाटर 18। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये तो न्यूट्रल है 10 आएंगे, प्रोटॉन कितने आएंगे न्यूट्रल है 10 आएंगे, न्यूट्रॉन कितने आएंगे 18 - 10 विच इज 8 आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, आप देखो यहाँ क्या लिखा है, कह रहे हैं कि देखिए जो पानी का एक मोल होता है उसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन एटम होता है। क्या कह रहे हैं कि जो 1 मोल होता है ना वाटर का, H2O का जो 1 मोल होता है उसमें 2 मोल्स तो हाइड्रोजन एटम के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का है। फिर जो 1 मॉलिक्यूल होगा वाटर का, 1 मॉलिक्यूल जो होता है, हमने अभी पीछे चेक किया कि उसमें 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। फिर जो 1 मोल होता है वाटर का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं तो 1 मोल में कितने 10 मोल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे 8 मोल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाता है इसी के साथ, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं मुझसे कि आप मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7.2 ग्राम वाटर के अंदर। तो देखो मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास वाटर का 1 मोल होता है ना, तो 1 मोल वाटर के अंदर 10 मोल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कितने मोल्स होते हैं 10 मोल होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो भाई 7.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, पहले तो आप यहां से चेक कर लो कि आपके पास मोल्स ऑफ वाटर कितने गिवन है, बताओ ये कितना आएगा। What is 7.2 divided by 18? कितना आया तुम्हारे पास 0.4। तो ये आ गया कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है 0.4 मोल। तो 0.4 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे, 0.4 × 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो हमारे पास ये आएगा 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपसे ये तो नहीं पूछा है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, मतलब तुमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है और आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि n = n/NA होता है, तो तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है यानी कैपिटल N पूछा है। तो आप क्या करेंगे 0.4 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आंसर होगा 0.4 NA, दीज मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे। आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक हो जाता है हमारा फिनिश, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, हाँ जी कैसा कैसा लग रहा है मैम, वाव मजा आ रहा है, कह दो एक बार कि मैम बढ़िया लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ बताइए मजा आ रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, तो मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वैसे कि मैंने 1 शॉट में पढ़ाया था या 2 शॉट में पढ़ाया था, बट देन एनीवेज आज हम इसको 1 शॉट में कवर करेंगे। चलो यार और टाइम नहीं लगाते हैं बातों में, पढ़ाई कर लेते हैं। सी नेक्स्ट हमारे पास आता है द एवरेज आइसोटोपिक मास, यानी कि जब हमारे पास किसी एटम के आइसोटोप्स होते हैं तब हम कैसे उसका मास डिसाइड करते हैं, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको हम यहाँ पर कैसे सॉर्ट कर रहे हैं आइए देखिए। जैसे कार्बन होता है, कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं भाई, कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, सभी का जो एटोमिक नंबर होता है वो तो 6 ही होता है, लेकिन मास नंबर 12, 13 और 14 होता है। जो ये कार्बन का 12 वाला आइसोटोप होता है, इसकी अबंडेंस होती है 99.6%, इसकी होती है 0.3%, इसकी होती है लेट्स से 0.1%। अब यार देखो भाई कार्बन का जो मास है ना, वो तो 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। अब मुझे कौन सा मास मानना चाहिए कार्बन का, 12, 13 या 14? तो शायद आपका आंसर ये होगा कि मैम 12, क्योंकि मैम देखिए कार्बन के जो बाकी दो आइसोटोप्स हैं उनका जो अबंडेंस है, एक्चुअली इसको परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये परसेंटेज अबंडेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज अबंडेंस, कि मैम इनका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कैसा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, देखिएगा ध्यान से कि भाई इनका परसेंटेज अबंडेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि मेरे आईज में ना ये चला गया, मतलब मेरा आईलैश इन माई आईज, आओ जरा कोई तो हेल्प कीजिए मेरी, है ना। देखिए तो हमारे पास यहां पर क्या होगा बताओ,
भाई इनका तो नेग्लिजिबल, ये तो नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं आकांक्षा मैम, है ना, ये तो नेग्लिजिबल है, तो इनको हम मास कैलकुलेट करने में कंसिडर नहीं करेंगे। और सिंपल है, कार्बन 12 एटम का मास हमने मान लेना है कि जी 12 होता है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इनका परसेंटेज अबंडेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। कैसा है? नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ, देखो क्लोरीन के भी हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से दो आइसोटोप्स होते हैं? क्लोरीन का वैसे तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, लेकिन एक होता है 35 क्लोरीन, एक होता है 37 क्लोरीन। जो 35 क्लोरीन होता है उसका जो परसेंटेज अबंडेंस होता है ना, उसका परसेंटेज अबंडेंस होता है 75%, और जो 37 क्लोरीन होता है उसका परसेंटेज अबंडेंस होता है 25%, ठीक है, इसका परसेंटेज अबंडेंस इज 75, एक का 25, ओ माय गॉड, ये तो नेग्लेक्ट करने लायक नहीं है। बताओ यार, भले ही 75 ज्यादा है लेकिन 25 इतना कम भी नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो भी क्लोरीन का मास होगा, है ना बेटा, जो भी क्लोरीन का मास होगा उसमें ये वाले आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मतलब क्लोरीन का मास कहीं ना कहीं 35 के आसपास होना चाहिए, मानते हो, कहीं ना कहीं आकांक्षा मैम 35 के आसपास होना चाहिए, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि देखिए भाई, जो आपका आइसोटोपिक मिक्सचर अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई ऐसा आइसोटोपिक मिक्सचर है जिसमें एक आइसोटोप का मास M1 है, दूसरे आइसोटोप का मास M2 है, जिसमें एक आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस A% है और दूसरे का B% के बराबर है, तो जब आप मास कैलकुलेट करेंगे एवरेज मास ऐसे आइसोटोपिक मिक्सचर का, तो आप लिखेंगे मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस प्लस द मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस divided by the total percentage divided by a plus b which is total percent, और बेटा obvious सी बात है कि total percentage तो 100 ही आएगी, तो denominator में तुम्हारे पास हमेशा 100 ही आने वाला है, ठीक है। अब जैसे chlorine का केस ले लें आप, तो यार chlorine के केस में क्या होगा बताओ, यहाँ पर जब मैं कैलकुलेशन करूंगी तो मेरे पास इसका एवरेज मास निकल कर आएगा कि जी 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 35.5 ग्राम। तभी क्लोरीन का आपने सुना होगा ना मास कितना होता है, 35.5, तो वो डेसिमल में क्यों है, यानी कि वो फ्रैक्शनल क्यों है, हमेशा ही ध्यान रखिए कि अगर किसी एटम का मास डेसिमल में या फिर फ्रैक्शनल आ रहा होता है तो फिर हम ये समझ सकते हैं वहां से कि वो जरूर वो उसके आइसोटोप्स रहे होंगे, इसीलिए वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, बताओ जी, यहाँ ये देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए आपका जो अभी तो तुमने देखा आइसोटोप के लिए तो मैं परसेंटेज अबंडेंस गिवन था, बट जस्ट इमेजिन कि परसेंटेज अबंडेंस की जगह आपको फ्रैक्शनल अबंडेंस दे दी जाए, मतलब तुम्हें अबंडेंस मिले लेकिन फ्रैक्शन में। बेटा परसेंटेज जो होती है वो 100 के रिस्पेक्ट में होती है, फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में होता है, फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में लाइ करता है। तो अगर मेरे पास जैसे परसेंटेज है ना, और मुझे इसको फ्रैक्शन बनाना है ना, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0.75, तो ये मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। 0.75 इज अ फ्रैक्शन, 0.25 इज अ फ्रैक्शन, कूल है। अब हमारे पास यहां पर हम क्या कहते हैं कि आप क्या करिए, मोल मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस, मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस एंड सो ऑन। तो मेरा जो पहला आइसोटोप है उसका मास है 35, उसके फ्रैक्शनल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 आएगा। दूसरा जो है उसका मास है 37, उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस है 0.25, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास 35.5 ही आएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक ऐसा टर्म जिसके साथ हम सभी फेमिलियर हैं, विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो O2 नेगेटिव हो, F नेगेटिव हो, भाई इन सब में 10 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो ऑक्सीजन में 8 होने चाहिए थे पर 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से 8+2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। एफ नेगेटिव में 9+1, भाई इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम पॉजिटिव में
है 11 माइनस 1 विच इज ऑल्सो 10, बेटा यहाँ भी 12 माइनस 2 विच इज ऑल्सो 10, ठीक है 10 10 10 10 10, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है, एंड क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, दीज आर ऑल आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा इधर आ जाओ, आइजोटोप्स तो आपने सीख लिया कौन होते हैं, बट वॉट आर आइजोबार्स? आइजोबार्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें की जिनका की डिफरेंट मास सेम मास नंबर हो, डिफरेंट अटोमिक क्या लिखा है इन्होंने, डिफरेंट अटोमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिनका अटोमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो आर्गन और कैल्शियम, बेटा आर्गन का अटोमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का अटोमिक नंबर होता है 20, लेकिन आर्गन का भी मास अप्रोक्सीमेटली 40 होता है और इसका भी मास 40 होता है, मतलब दीज आर द स्पीशीज विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट अटोमिक नंबर। तो बिल्कुल आइसोटोप्स का ऑपोजिट इज आइजोबार, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वेपर डेंसिटी का। वाव, चैप्टर के सबसे बड़े पार्ट को हम फिनिश कर चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको यार? आ जाओ चैट में, आ जाओ, जो बच्चों ने चैट ओपन नहीं किया हुआ है फटाफट आ जाओ इन द चैट सेक्शन, कम ऑन, लेट मी सी यू हियर इन द चैट सेक्शन प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बता दो जी मैम कैसा लग रहा है, हाँ? और we are done with almost, I mean almost half से भी ज्यादा आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब हमारे पास बचता है वेपर डेंसिटी, फिर लेकिन अब जो बचा है वो इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी मैं बताते जाऊंगी और होता जाएगा एक एक टॉपिक, तो ऐसे सब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट काफी छोटे छोटे है ना, जैसे कि परसेंटेज अबंडेंस, जैसे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एंड देन वील हैव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद आएगा स्टोशियोमेट्री, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, दैट्स इट, चैप्टर फिनिश, ठीक है। आहा, नाइस नाइस नाइस, बाकी क्वेश्चन मैं आज आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर t.me/akanshakarnwal, आकांक्षा कर्णवाल की स्पेलिंग देख लेना भाई, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना और वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे तुरंत, जैसे ही सेशन यहाँ होगा ओवर वहीं आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो इसको देख लो, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वेपर डेंसिटी का। डेंसिटी तो हम सबने सुना है मैम, लेकिन वेपर डेंसिटी क्या होता है? तो वेपर डेंसिटी, जिस भी गैस का आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब अगर मैं किसी गैस की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो उस गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी इज वेपर डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी गैस का जो होता है ना भाई, उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमएल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम ही यूनिट होगी है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूनिट विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड हेंस वेपर डेंसिटी यूनिट लेस होती है। ऑब्वियसली डेंसिटी की यूनिट न्यूमरेटर में, डेंसिटी की यूनिट डिनोमिनेटर में, तो यूनिट ऊपर नीचे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड हेंस वेपर डेंसिटी ओवरऑल फ्रैक्शन लेस निकल कर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है द आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, उसको देखो, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको ही पता है, लेकिन ये वेपर डेंसिटी में अचानक से क्या आ गया, तो इसको देखिए भाई, हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू एन आर टी, PV इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। आप देखो, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास लिख सकती हूँ? हाँ जी आकांक्षा मैम, तो PV इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय RT, तो यार M को इधर ले जाइए तो ये आएगा PM इज इक्वल टू W बाय V RT, है ना। और बेटा W बाय V यानी कि जो आपका गिवन मास बाय वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये तो हम सब नहीं पढ़ा है, मास बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, तो दिस इज D, है ना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा दैट PM इज इक्वल टू DRT, तो PM इज इक्वल टू DRT एक मेरा नया रिलेशन आ गया। वैसे तो ये रिलेशन डायरेक्ट भी यूज हो सकता है विच इज PM इज इक्वल टू DRT, पर आपको ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि मोलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। देखो मोलर मास, M इज योर मोलर मास, यहाँ क्या था डिनोमिनेटर में मोलर मास, तो M यानी कि आपका मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब मैं ये जानती हूँ कि यार मेरे पास जो वेपर डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसकी जगह मैं ये लिख देती हूँ कि मेरे पास जो वेपर डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना भाई। देखो अब मेरे पास ये जो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना होता है 2 into 1 which is 2, है ना, 2
टू आ जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये आएगा मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टू एंड दिस इज माय वेपर डेंसिटी. बेटा ये मेरी क्या आ गई, वेपर डेंसिटी आ गई, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टू, दिस इज योर वेपर डेंसिटी. तो आप देखो कितना आसान हो गया, कहां मेरे पास इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था, विच इज डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और एक रिलेटिवली काफी आसान फॉर्मूले तक मैं पहुंच चुकी हूं. मतलब यार कितना इजी है, मुझे एक गैस दी और मुझसे बोला उसकी वेपर डेंसिटी बता दो, तो मैं उस गैस का मोलर मास जानती ही होगी, है ना. मोलर मास तो नहीं पता तो कैलकुलेट कर लो, टू से डिवाइड कर दो, वही उसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी. आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. देखो मेरे पास यहाँ पर एक गैस की डेंसिटी दी है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी दी है, कह रहे हैं कि बताओ गैस कौन सा है. तो भाई वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. देखो वेपर डेंसिटी कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये कितना हुआ 3.6 × 10⁻³, और ये कितना है 9 × 10⁻⁵. करना है इसको 40 निकल कर आएगा. मतलब गैस जो भी हो उसकी वेपर डेंसिटी 40 रही होगी. अब वेपर डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टू. भाई वेपर डेंसिटी तो आई गई तुम्हारी 40, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द गैस विच इज इक्वल टू 80. तो 80 आ गया आपका क्या, द मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू 80. अब तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको बस ये देखना है कि इनमें से वो कौन सी गैस है जिसका मोलर मास 80 के बराबर है. जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी गैस है जिसका मास 80 निकल कर आएगा. तो तुम चेक करना, केवल ये वाली गैस होगी 32 + 16 × 3 विच इज 32 + 48 एंड दैट इज इक्वल टू 8080. तो केवल SO3 विच इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, केवल यही इकलौती ऐसी गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी और बाकी सब कुछ मैच कर जाएगी. चलो ये बता दो. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर एक गैस का वेपर डेंसिटी 14 है तो गैस कौन सा रहा होगा. तो भाई एक गैस है, गैस का वेपर डेंसिटी 14 है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2 होता है ना. तो 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास. बेटा कितना है 2 × 14, दिस इज इक्वल टू योर मोलर मास. तो कितना हो गया 2828, है ना. चेक करो इसका और इसका दोनों का मास 28 आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3 बोथ. लास्ट टॉपिक जो हमारे पास इस उसमें बचता है वो ये, फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट हमारा रह जाएगा, जो कि हम सिर्फ देखो सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला में, इतना भी नहीं, 10 से 15 मिनट और बस, बाकी तो बहुत ही आसान है. ठीक है, तो वील बी इजिली डन वेरी सून विद द एंटायर यूनिट. पूरा चैप्टर तुम्हारा वन शॉट में काफी जल्दी हो जाएगा, इतने सारे लेक्चर्स में पढ़ते हो अदरवाइज. पर मैंने एक भी चीज मिस की बताओ, जिन बच्चों ने उसे डिटेल में सीखा है बताइए, बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया कि नहीं जैसे डिटेल में पढ़ाती हूँ. स्पीड थोड़ी स्लो होगी, है ना. अब भाई स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी आपको भी, जब टाइम कम हो तो स्पीड ही बढ़ानी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको उतना ही कवर करना है, सिलेबस तो कम नहीं हुआ, टाइम ही कम हुआ है, कम टाइम में करना है ना. सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, मतलब कोशिश ये रहती है पूरी पिक्चर आपके सामने दोबारा चल जाए और कोई नया एकदम बच्चा आया है तो उसको भी सब समझ आए. एनीवेज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या होता है, देखो जैसे आप मार्केट से सामान खरीद कर लाते हो, लेट अस से मैंने एक सनस्क्रीन लिया, सनस्क्रीन का बॉटल पीछे घुमाना तो उस पर लिखा होगा कि इसमें इथाइलीन ग्लाइकोल है इतना परसेंटेज, इसमें ये है इतना परसेंटेज, इसमें ये है इतना परसेंटेज. तो यहाँ परसेंटेज से पता चलता है कि हमारा जो क्रीम है ना उसके अंदर उसका आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता चलता है कि ये जो क्रीम है उसके अंदर जितना भी सामान है उसमें से इथाइलीन ग्लाइकोल कितना है. ऐसा ही होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट और मैं चेक करना चाहती हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का ये जो कंपाउंड है इसमें कैल्शियम की परसेंटेज कितनी है, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होता है दैट इज मास परसेंट, मास परसेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. इसका मतलब
जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि मुझे देखना है कि आप कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ कैल्शियम जो कि 40 होता है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, पूरे कंपाउंड का मास 100 निकल कर आया तो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 140, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि आया 40%। ऐसे कार्बन की परसेंटेज कितनी आएगी, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 12%, है ना। सिमिलरली ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आएगी, देखो ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है पर कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 विच इज 48 आएगा, तो विच इज 48%, ठीक क्या दो जी, यस मैम, तो आ गया, ये होता है जी आपका परसेंटेज कंपोजिशन। एनी वेज वी आर डन विद दिस एंड मेरे को जो है अब आप लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के लिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारा बोर्ड है, एक मिनट बताती हूँ, रुको, सो लेट मी क्विकली डाउनलोड द अदर स्लाइड्स। ये हो गया, अब तो बहुत छोटा सा पार्ट रहता है इस यूनिट का, डू नॉट वरी, वी आर लेफ्ट विद वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड जो होता है उसमें केवल 100 स्लाइड्स परमिटेड होती हैं और 100 में भी मैं एक्स्ट्रा स्लाइड्स ऐड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने पार्ट्स में जो है इसको कर लिया था दोनों स्लाइड्स को, ठीक है। एनीवेज अब हमारे पास आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें चार लॉस पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा नाम वैसा ही लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो मास हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब जब आप एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, ठीक है। लॉ ऑफ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, मैम हमें तो आई नहीं बात समझ, तो आइए आपको समझाते हैं। देखो मान लो हमारे पास ये एक रिएक्शन है ना, लेट अस से वी हैव दिस रिएक्शन, देखो N2 गैस प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। ओके जी कह दो, यस मैम, यस 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 यस, है ना। बेटा नाइट्रोजन का मास कितना होता है, वैसे तो 14 होता है पर क्योंकि दो नाइट्रोजन आते हैं 14 × 2 विच इज 28 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास वैसे तो 1 होता है लेकिन दो हाइड्रोजन आटम है तो 2 × 1 और तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो 3, तो ये 6 ग्राम हो जाएगा। अमोनिया का मास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक नाइट्रोजन आटम का मास 14, 3 का तो 2 × 17 इज ऑल्सो 34 ग्राम। तो प्रोडक्ट का मास 34 ग्राम है और रिएक्टेंट का भी अगर मैं टोटल ऐड करूंगी 28 प्लस 6 तो ये भी 34 ग्राम ही आएगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि आइडियल सिचुएशन में जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए, मास कंजर्व होना चाहिए ऑन द होल एक बैलेंस्ड इक्वेशन में। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आता है और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। वो आपको पूछते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन होती है, कौन है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ा है E is equal to MC square. तो कहते हैं कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, आपने सुना होगा दैट न्यूक्लियर रिएक्शन आर वेरी हजार्डस, वेरी डेंजरस फॉर मैनकाइंड एज वेल एज फॉर द एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बहुत धमाकेदार रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, धमाका होता है। व्हाट इज धमाका? अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाईली और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारा मास एनर्जी के फॉर्म में एस्केप आउट हो जाता है, बहुत सारा मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है, और क्योंकि इतना सारा मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो मास तो एनर्जी बनाने में खर्च हो गया, तो मास कंजर्व हो ही नहीं पाएगा। जब तुम रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन में तो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट का मास कम ही आएगा रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट में से काफी सारा मास तो एनर्जी बनाने में लग गया, वो अब चली गई, एनर्जी तो निकल गई ना, इवॉल्व हो गई बाहर। तो इसीलिए लॉ जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो नहीं ओबे कर पाती हैं किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट एंड कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है, देखिए
ये लॉ कहता है कि यार जब भी देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस टू फॉर्म द कंपाउंड एंड द रेशियो रिमेंस फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन. इस बात का बड़ा सिंपल मतलब है कि जैसे वाटर है, वाटर को तुम जैसे मर्जी चाहे बना लो या वाटर को आप कैसे भी सोर्स कर लीजिए. वाटर आप टैप वाटर ले लो, वाटर आप जो है टैप वाटर में तो जैसे इंप्योरिटीज होती हैं, वाटर आप आरओ का वाटर ले लो, वाटर आप एक पॉन्ड का वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, गंदा पानी ले लो. पानी पानी होता है और पानी में जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा और कितना होगा यहाँ 2:16 बेटा जो कि होता है 1:8. तो हमारे पास वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का मास का रेशियो है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के जो मास का रेशियो है वो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, विच इज 1:8. ठीक है. और पानी कहीं से भी ले आइए, कोई भी ले आइए, पानी अगर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के मास का रेशियो हमेशा 1:80 होगा. तो यही कहते हैं कि पानी पानी होता है, पानी में एटम्स के मास का रेशियो फिक्स है जो कि 1:8 है. पानी कहीं से भी लाइए, कैसे भी बनाइए, कोई भी वाटर हो उसमें हमेशा रेशियो यही रहेगा. उसके बाद हमारे पास आता है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से देखना. जैसे मान लो मेरे पास एक एटम है कार्बन, कार्बन ने एक बार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सीओ बनाया और एक बार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर CO2 बनाया. ऐसे में क्या हुआ, एक ही एटम ने, है ना, एक ही एटम ने दो बारी सेम एटम के साथ कंबाइन किया. देख रहे हो तुम लोग, एक ही एटम था, एक एटम कौन है, कार्बन है, उसने दो बारी सेम ही एटम के साथ कंबाइन किया और दो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, एक CO विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड और एक CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. दोनों ही कंपाउंड्स में कार्बन का मास तो फिक्स है 12 और 12, लेकिन ऑक्सीजन एटम का मास क्या है, वेरिएबल है. यहां भी 12 है, यहां भी 12 है कार्बन, यानी एक एटम का मास तो जी दोनों केस में फिक्स है, लेकिन जो आपका दूसरा एटम है बेटा, जो तुम्हारा दूसरा वाला एटम है उसका जो मास है वो एक सिंपल रेशियो में है, है ना, जो वो एक सिंपल रेशियो में है, विच इज 1:2 का रेशियो. यहां इसमें 16 होगा मास और यहां 32 होगा, और यहां 16:32 का मतलब होता है 1:2, कितना होता है 1:2. तो ऑक्सीजन एटम जिस रेशियो में रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, 1:2 के रेशियो में रहेगा. तो बस दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहे हैं कि कौन सा वो एग्जांपल है जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सैटिस्फाई करेगा. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कौन सैटिस्फाई करेगा उसको पहचानने के लिए इतना ही काफी है कि आप एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बाकी दोनों, मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो बस रेशियो डिफरेंट है. तो यहां पर देखो, इसमें भी टिन और टिन का मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्लोरीन के जो एटॉमिक मासेस होंगे उनमें रेशियो आ जाएगा 2:4 का ही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉलो करेगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, विच इज द लास्ट लॉ. देखो कितनी जल्दी मैंने तुम्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी करा दिए, है ना. इसके बाद आएगा आपके पास मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर आएगा लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोशियोमेट्री, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में, बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेने वाले हैं. अच्छा टारगेट बताओ, कब तक चाहते हो मैम, कब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दें आपका. देखो 11 बजे से पहले ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो मैं ना खुद को टारगेट देती हूँ कि 10:45 तक. देखो लिमिटिंग रिएजेंट बहुत छोटा है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट में लगेगी 10 मिनट, पर बहुत काम का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है बट उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, और वो हम स्पेशल क्लास में भी करेंगे, यूट्यूब पर भी करेंगे, लेकिन बहुत छोटा है तो 10 मिनट में हो जाएगा. ठीक है, तो 10:45 तक अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लेते हैं बहुत आसानी से, उसके बाद 10 मिनट्स में चैप्टर फिनिश. ठीक है, वैसे खुद को टारगेट देते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा. एनीवेज, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहता है कि अगर एक एलिमेंट हो और वो दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाए, एक ही एलिमेंट दो अलग अलग एटम के साथ कंबाइन करे, तो ये CO2 बनाएगा और इसने CH4 बनाया. दो अलग अलग कंपाउंड्स जब ये बना रहा है तो यहां पर हमारे पास एक एटम का मास तो फिक्स ही है ना, एक ही एटम है, दो अलग अलग एटम के साथ कंबाइन कर रहा है. बेटा एक ही एटम है, दो अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है, विच इज ऑक्सीजन
एंड हाइड्रोजन, एक बारी CO2 बना रहा है, एक बारी CH4 बना रहा है। जब वो CO2 बना रहा है और जब वो CH4 बना रहा है, दोनों ही केस में कार्बन का मास तो सेम ही है, मतलब एक एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स गिविंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स वेयर इन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स सेम, या कॉमन है एक एलिमेंट का मास। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर आप देखते हो, यहाँ ऑक्सीजन का मास आएगा 16 into 2 which is 32, हाइड्रोजन का मास आएगा यहाँ पर 4 into 1 which is 4, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर रेशियो में आएंगे 4:32 के, जो कि और कुछ नहीं बल्कि 1:8 ही होता है। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाते हैं, और वाटर का भी मास का जो रेशियो आता है उसमें भी यार 1:8 ही रेशियो आता है, मानते हो आप लोग कि नहीं, जल्दी से बता दो। हाँ, तो हमारे पास यहां पर वाटर जो है, वाटर में भी कहने का मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट था, दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, जिसमें से कि एक एलिमेंट का मास तो फिक्स है, दूसरे एलिमेंट्स के मास के बीच में एक सिंपल रेशियो फॉलो होता है, और वही सिंपल रेशियो उनके कंपाउंड में भी देखने के लिए मिलेगा, वही सिंपल रेशियो उनके कंपाउंड में भी देखने के लिए मिलता है। लास्ट हमारे पास आता है गे-लियोसैक्स लॉ। गे-लियोसैक्स लॉ आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड है, जो कि कहता है कि अगर आपके पास, जैसे ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर आपके पास आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक कंडीशंस आ जाएं, बेटा आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स, आइसोबारिक मतलब टेम्परेचर फिक्स, है ना। अगर ऐसा हो जाए कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हुआ, तो फिर देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये तो पहले एक कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऐसे में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डायरेक्टली वॉल्यूम को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है, N2+3H2 gives me 2 अमोनिया, है ना। मेरे पास ये एक इक्वेशन है कि भाई N2+3H2 से मेरे पास क्या बन रहा है, 2 अमोनिया बन रहा है। तो आप देखो यार, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये जो इनका स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है ना, 1, 3 और 2, ये एक्चुअली आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी भी, स्टोशियोमेट्री नेक्स्ट टॉपिक स्टोशियोमेट्री ही है, तो वहां हम ये सीखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब ये आपको कह रहा है कि आपके पास इसका तो 1 मोल है, इसका आपके पास 3 मोल है, और इसका तुम्हारे पास 2 मोल है, कितना है, 2 मोल है, ठीक। तो वो ये कहते हैं, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मेरे पास इसका 10 ml है और इसका मुझे 20 ml बनाना है, तो मुझे हाइड्रोजन की कितनी वॉल्यूम लेनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है, गे-लियोसैक्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो जो भी मेरा मोलर रेशियो है ना बेटा, वही वॉल्यूम का भी रेशियो आना चाहिए, बात को समझिए आप, जो भी नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रेशियो फॉलो हो रहा है, वही रेशियो वॉल्यूम के बीच में भी फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो N2H2 और अमोनिया के लिए, N2H2 और अमोनिया के लिए 1:3:2 का है, तो फिर वॉल्यूम का भी रेशियो यही होना चाहिए। तो अगर ये 10 है, ये 20 है, तो इसको 30 होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरा रेशियो 1:3:10 आएगा, ठीक। तो यही होता है, क्या होता है कि जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का फॉलो हो रहा है वही वॉल्यूम का फॉलो होना चाहिए, तो भाई ये 20 ml निकल कर आ गई, ठीक है, कितनी निकल कर आएगी, 20 ml। आगे बढ़ते फिर इसके बाद हमारे पास, इससे पहले कि मैं मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पढ़ाऊं, आई वुड वॉन्ट कि ना हम पहले स्टोशियोमीट्री कर लें, स्टोशियोमीट्री और लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश कर लेते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो फटाफट हो जाएगा। देखो स्टोशियोमीट्री का कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, बेसिकली हमारे पास क्या आता है, स्टोशियोमीट्री हमें 3 बातें सिखाती है, ठीक है। सबसे पहला स्टोशियोमीट्री के हेल्प से हमें मिलता है मास मास रिलेशन, सबसे पहला विद द हेल्प ऑफ स्टोशियोमीट्री हमें मिल पाता है मास मास रिलेशन। इस बात का मतलब क्या होता है मैम, यार इस बात का मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दिस गिव्स यू 2 अमोनिया, है ना, ये आपको अमोनिया गैस देती है। पहले तो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से मेरे पास कितना आएगा, नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, ये अभी आपने देखा था 6 ग्राम, ये आता है 34 ग्राम। तो आप
कहेंगे कि 28 ग्राम, आप कहेंगे दैट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद या कंबाइंस विद 6 ग्राम हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम अमोनिया. क्या कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करकर 34 ग्राम अमोनिया आपको देती है. ठीक है, अभी उसके बाद हमारे पास देखो क्या हुआ कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विद 6 ग्राम हाइड्रोजन टू गिव यू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. यानी कि अगर मैं आपको लेट अस से 56 ग्राम दे दूं इसका, है ना, और इसका 12 ग्राम दे दूं, तो आप बता पाओगे कि भाई अगर 28 ग्राम से इतना मिलता है तो 6 ग्राम से कितना मिलना चाहिए. सिंपल बात ये. तो स्टोशियोमेट्री के हेल्प से हम इस तरह की चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब कि हमने ना कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास अगर इसका 300 ग्राम है तो CO2 कितना मिलेगा. बड़ा सिंपल है, स्टोशियोमेट्री ने आपको क्या सिखाया कि भाई इसका 100 ग्राम, ये इसका मोलर मास चेक कर लो, 40 प्लस 12 प्लस 3 × 16 48, ये 100 आएगा. ठीक, 100 ग्राम आएगा. तो इसके 100 ग्राम से CO2 का 44 ग्राम मिलता है. कितना मिलता है CO2 का? 44 ग्राम मिलता है. भाई 100 से 44 मिलता है तो 300 से कितना मिलेगा? इसका 3 टाइम्स मिल जाएगा. तो 300 ग्राम से कितना मिलेगा? 44 × 3 विच इज 132 ग्राम हो गया. तो पहला तो आपको स्टोशियोमेट्री मास रिलेशन देता है, पता चल जाता है मासेस के बीच में क्या रिलेशन है. दूसरा हमारे पास आता है नंबर टू, हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन. किसका रिलेशन? नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन. यानी N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया. तो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना, यहां पर यही जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये और कुछ नहीं नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं. तो इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसका 2 मोल है. तो मुझे पता चल रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया देता है ना. तो मान लो मेरे पास इसके 6 मोल है, इसके 9 मोल है, तो बताओ कितना मिलेगा. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या आता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज वॉल्यूम रिलेशन, जो कि बेस्ड है किस पर? गे-लियुसैक्स लॉ पर ही. देखो अभी जो मैंने गे-लियुसैक्स लॉ आपको पढ़ाया था, दैट वाज नथिंग बट दिस ओनली. वो यही था एक्चुअली आपका जो गे-लियुसैक्स लॉ था ना. आ जाओ इधर, आ जाओ, गे-लियुसैक्स लॉ के पास चलते हैं. वो यही तो था, मोल्स और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन. जो भी मोलर रेशियो होगा वही वॉल्यूम के बीच में भी रेशियो होता है. लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहां पर कुछ ऐसा दे दूं, मान लीजिए, तो मैं यहां लिख देती हूं पहले तो सेम एज गे-लियुसैक्स लॉ, बिल्कुल सेम वही है जो गे-लियुसैक्स ने आपको सिखाया. ठीक है, गे-लियुसैक्स लॉ. दूसरी बात हमारे पास क्या आती है उसको जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूं कि मेरे पास N2 गैस है प्लस O2 गैस है, भाई दोनों मिल रहे हैं और बना रहे हैं 2NO जो कि एक लिक्विड है. तुम मुझे ये बताओगे कि अगर तुम्हारे पास इसका 50 मिलीलीटर हो और भाई इसका भी 50 मिलीलीटर हो, बताओ क्या बनेगा? हाँ, उफ, बताइए. इसका 50, इसका 50 विल गिव यू व्हाट? कितना अमोन, कितना एनओ मिलेगा? जल्दी से बता दो. हाँ जी, फटाफट बताइए, बी क्विक. कितना मिलेगा हमें नहीं बताओ, है ना. तो देखिए हमारे पास यहां पर ऐसा जब होगा तो आपको शायद ऐसा लगना चाहिए कि मैम 100 ml मिलेगा, बट दैट इज रॉन्ग, हमें नहीं पता. आपका आंसर होगा कि मैम नहीं बता सकते या फिर कांट से, हमें नहीं पता कि कितना मिलेगा. और उसके पीछे की वजह ये है, द रीजन इज कि भाई देखो ये गैस है और ये लिक्विड है और गे-लियुसैक्स लॉ बेस्ड था PV=nRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन पर. तो आइडियल गैस इक्वेशन पर जो चीज बेस्ड है फिर वो गैस पर ही लग सकती है, लिक्विड के केस में एप्लीकेबल हो नहीं पाएगी. ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिक्विड्स. आइए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है,
कॉन्सेप्ट, फटाफट हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहता है कि जो चीज कम होती है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कहने का मतलब, अगर एक रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में वो वाला रिएक्टेंट, मान लो रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं R1 + R2 और फिर मेरे पास P नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन कहती है कि सबसे पहले तो रिएक्टेंट जो आपने दो लिए हैं, हो सकता है उसमें से एक रिएक्टेंट कम हो और दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा हो, तो जो रिएक्टेंट कम होगा ना वो ये डिसाइड करेगा, जो कम होगा वो ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी वो वाला रिएक्टेंट जो कम है, यानी जो पहले फिनिश हो जाएगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा एक रिएक्शन में, वो ये डिसाइड करेगा कि आपके पास कितना प्रोडक्ट बनने जा रहा है। क्या लिखा है, द रिएजेंट और रिएक्शन रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन, यानी जो पहले खत्म हो जाता है, या फिर द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द रिक्वायर्ड अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमीट्री, वो आपका क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। सबसे पहले तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, और लिमिटिंग रिएजेंट पहले तो कब चेक करोगे, जब आपको कम से कम दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए गए हो। कम से कम दो तो होंगी, मतलब यार लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा वाला रिएक्टेंट है उसके लिए मिनिमम तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट तो होने चाहिए। अब अगर दो भी ना हो, जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट भी नहीं है, तो फिर तो जो है एक से ही प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर क्या है ना। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा दो रिएक्टेंट हैं तो एक कम होगा एक ज्यादा होगा, जो कम होगा वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और उसी से प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो है बन जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, स्टेप सीखना है कि ये ट्रिक है बेसिकली कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन गिवन है उसमें मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस दिस गिव्स मी बेटा 2 अमोनिया, है ना। ये मुझे क्या दे रही है, 2 अमोनिया दे रही है। अभी मेरे पास क्या आएगा कि मान लीजिए मेरे पास इसका 4 मोल्स है ना, और इसका 6 मोल्स है, तो मुझे आप बताइए दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखो बैलेंस इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा मोल्स डायरेक्टली गिवन हो सकता है मोल्स गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कर लिए कैलकुलेट, फिर उसके बाद आप लिख लो ऐसे कि भाई इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं। फिर आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको क्या करना है रफ में, है ना, रफ में क्या करना, जो भी आपके मोल्स हैं उसको यार तुम स्टोशियोमीट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे 4 को 1 से डिवाइड कर दिया, 6 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आया आपके पास नंबर 4 और यहाँ पर आया आपके पास नंबर 2, कितना आया 4 और 2 आ गया। ठीक है, अब 4 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 इज द स्मॉलर वैल्यू, है ना। तो जहां से भी छोटी वैल्यू आती है बस वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बन चुका है, हाइड्रोजन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, और अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, है ना, अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स से 2 अमोनिया बनता है, सोचे एक बारी, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल हाइड्रोजन मैं लेती हूं तो मेरे पास 2 मोल्स अमोनिया के बनते हैं, तो 6 मोल से कितने बनेंगे, 6 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल अमोनिया बन पाएगा। जबकि अगर आप नाइट्रोजन के हिसाब से देखो तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो भाई 4 मोल से 8 बन जाने चाहिए थे पर नहीं बन पाएंगे 8 मोल ऑफ अमोनिया, रादर 4 ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। सो दिस वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आर वी रेडी टू फिनिश दिस यूनिट, जल्दी से बता दो यार समझ आया सबको, क्योंकि इसके बाद शांति ही शांति और सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास बचता है, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। वाओ, सांस में सांस आई कि नहीं आई, बस ये बता दो। हाँ, चैप्टर होने जा रहा है आपका पूरा फिनिश। ओके जी, चैप्टर हम बस फिनिश करने ही जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें सीखना है हमारा मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। काफी आसान है वैसे ये भी, आइए इसको कर लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन कराऊंगी एंड छुट्टी। ठीक, नॉट बैड, काफी बढ़िया स्पीड पकड़ी हमने आज, और पूरा मोल कॉन्सेप्ट क्लोज टू 2 आवर्स, 2 घंटा 10-15 मिनट में हो भी जाएगा, है ना।
दो घंटे हो गए हैं, 10 मिनट और पढ़ाऊंगी और चैप्टर फिनिश. ठीक, नाइस, ओके. सी, हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. जैसे कि मैं यहां पर लिखती हूं C6H12O6. भाई मैंने लिखा C6H12O6, ये क्या है? व्हाट इज C6H12O6? दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है. भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तुम्हें पता चलता है कि यहां पर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेल्प से आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपके पास जो एटम्स हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में वो एग्जैक्टली कितने कितने हैं. जैसे ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर साफ समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और सॉरी कार्बन है 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है, है ना. वही जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ना, देखो 6:12:6, अगर मैं इसका सिंपल रेशियो फाइंड आउट करूं तो 1:2:1 आएगा कि नहीं? ये इसका सिंपल रेशियो आएगा. अब इस सिंपल रेशियो का अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं, इस सिंपल रेशियो का एक फॉर्मूला बना दूं तो CH2O बनेगा. इसी सिंपल रेशियो के फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं बताता एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, बट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रेशियो क्या है, एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या है, वो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से पता चल जाता है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला व्हिच गिव्स यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला दो कंपाउंड का सेम हो भी सकता है और नहीं भी. जैसे CH3COCH3 है और आपके पास है CH3CH2CHO. ये कीटोन है, एसीटोन, और ये क्या है? प्रोपेनॉल है ना. ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों अलग है. लेकिन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O ही बनेगा और इसका भी C3H6O ही बनेगा. ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम ही आएगा. तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम, एंड हेंस हमारे पास क्या होगा? तो बात प्रूव हो गई कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. कि मान लो मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो एक बहुत सिंपल रिलेशन होता है जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय होल एन, जहां एन जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. आइए आपको इस कॉन्सेप्ट को एक बारी समझा देते हैं. यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास ग्लूकोज है, बट ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना. आप देखो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास आएगा उसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहते हो. कितना आएगा? 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16, ये निकल कर आएगा 180. तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हुआ क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकल कर आया है. ऐसे ही ग्लूकोज जो होता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? दैट इज CH2O, है ना. क्या होता है? CH2 होता है कंक्षा मैम. तो यार ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगा. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया? 12 + 1 × 2 + 16, this is 12 + 2 = 14, 14 + 16 = 30, 30 आया, है ना. अब मेरे पास क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकल कर आया तो इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहते हैं. ओके, फिर हमारे पास क्या होता है भाई? कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन, जहां एन की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है 180, ये है 3030, वैल्यू आएगी यहां से एन की 6, है ना. तो मेरा एन कितना आ गया? 6 आया है. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला है, होल एन यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C6 हो जाएगा. 2 × 6 = 12 O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. वाओ, है ना, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, दैट्स इट. उसके बाद ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी अभी दो, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा. बट ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि
हमेशा ही ध्यान रखिए कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स क्या मोल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है भाई। एक मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैं चेक करूंगी पहले कि मेरा जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन के कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। और जो भी मोल्स होंगे, जो भी मोलर रेशियो होगा, वही एटम्स का भी रेशियो निकल कर आएगा, वही एटम्स का भी रेशियो होगा। जैसे कि आप ये कंपाउंड देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 60% कार्बन है और 8% हाइड्रोजन है। तो अगर कार्बन 60% है ना, तो यहां पर समझ जाओ वो आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो कंपाउंड है उसमें एक्चुअली 60 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम हाइड्रोजन है, और पूरा कंपाउंड 100 ग्राम का होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन 60 + 8 तो 68 ग्राम हुआ, बाकी का 32 ग्राम कौन है। तो जब भी क्वेश्चन में ना गिवन हो, हमेशा ध्यान रखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में थर्ड एलिमेंट हमेशा ऑक्सीजन ही होता है। तो तीसरा दिया नहीं है पर बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन है, और यहां पर आ जाएगा 32 ग्राम। इसका मतलब क्वेश्चन के डेटा से इतना हम समझ गए हैं कि हमारे पास जो है 60 ग्राम कौन है, 60 ग्राम भाई कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 60/12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे 8/1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, 32/16। पहला काम तो यही मुझे करना है बेटा, ये 5 आएगा, ये 8 आएगा और ये 2 आएगा, है ना। तो देखिए बस कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तुम्हारे पास सिंपल रेशियो आ गया 5:8:2, क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 5:8:3 का रेशियो है, तो कंपाउंड होगा C5H8O2, दैट्स इट। यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा फॉर दिस कंपाउंड। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, आइए इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो, कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रही हूं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। अभी जो कर आए हैं उसमें सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला था, तो यहां दो स्टेप एक्स्ट्रा होंगे। कह रहे हैं कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कार्बन है 40.684 ग्राम, मतलब भाई ये कार्बन का मास होगा कितना, 40.684 ग्राम। हाइड्रोजन का मास रहा होगा 5.085 ग्राम, और जी ऑक्सीजन का मास होगा 54.228 ग्राम, है ना। तो तुम्हारे पास यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे किसके, कार्बन के, दैट इज 40.684 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन के 5.085 डिवाइडेड बाय 1, और ऑक्सीजन के 54.228 डिवाइडेड बाय 1। बेटा ये जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ये सारी वैल्यूज। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आती है, लेट मी क्विकली चेक, और ये वैल्यू आपकी आएगी 3.39, ये आती है 3.39, ये आएगी 5.085 और ये आएगी 3.39। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है, देखो हम कहते हैं जो भी मोल्स आएंगे उतने ही एटम्स होंगे, लेकिन यहां पर जो मोल्स आए वो तो डेसिमल में आए। कभी तुमने ऐसा फॉर्मूला देखा है, कार्बन 3.39, हाइड्रोजन 5.085, ऑक्सीजन 3.39, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है दुनिया में, नहीं होता। तो आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई करना होगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें होल नंबर में सिंप्लीफाई करना हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये किस रेशियो में है, 3.39, 5.085, 3.39। हमेशा ऐसा करने के लिए जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे, 3.39 से डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस बाय 3.39, डिवाइड सबको बाय 3.39। ये 1 आ रहा है, ये 1.5 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है, 1, 1.5 and 1 आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इसको, 1 है, 1.5 है और 1 है। बेटा मेरा तो फिर से 1.5 आ गया, 1.5 भी हटाना पड़ेगा, इसको भी ठीक करूं, तो 1:3/2:1 लिख सकती हूं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरा को, तो 2 से 2 गया और मेरे पास बचेगा 2:3:2, तो ये आएगा C2H3O2, कितना आ गया, C2H3O2 आ गया, कितना, C2H3 और O2। अब ये बिल्कुल ठीक है, एंड दिस इज मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला,
पर क्वेश्चन ये कहता है कि आप फाइंड आउट कर दिखाइए दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 118 ग्राम है तो कैसे करेंगे इसको. हम रिलेशन तो ऑलरेडी जानते हैं. रिलेशन होता है दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन. एन की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 118 क्वेश्चन में दिया है. आइए इसको देख लेते हैं भैया कितना होगा. 12 into 2 + 3 into 1 + 16 into 2 तो कितना हो गया 24 + 3 = 27 + 32 होगा है ना. हाँ जी तो ये हो गया 59. करो इसको सॉल्व तो आएगा 2. तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है C2H3O2 मल्टीप्लाई कर दो बस 2 से C4H6O4. दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या इतना बड़ा भी नहीं था है ना. 10 मिनट में हो गया. एक्चुअली लेस देन 10 मिनट्स 9 मिनट्स में हमने जो है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कर लिया. नॉट बैड. चलो बहुत ही बढ़िया एकदम टाइम से अच्छे से हमारा जो है टॉपिक पूरा हो गया. दैट टू अ गुड बिग इम्पॉर्टेंट यूनिट है ना. और ऐसे रेडॉक्स भी छोटा सा है तो कल तो जल्दी हो जाएगा. आई एम होपिंग कि शायद इससे जल्दी हो जाए आपका रेडॉक्स क्योंकि रिलेटिवली एक छोटा यूनिट है. बट देन मजा आएगा उसको भी करने में. वन डे वन चैप्टर बरकरार रखते हुए आज भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया. फटाफट इसके नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मूला शीट सब कुछ डाउनलोड कर लेंगे आप मेरे टेलीग्राम से. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम लोग कल. जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और जरूर से AIMT यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में एनरोल करा लीजिएगा जिसका लिंक चैट में भी है जिसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में भी है. दैट वॉज ऑल. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. टेक केयर.